बिरकिट 17 जून यानी कल मेरी पिक्चर रिलीज़ हो रही है। पिक्चर बहुत बढ़िया बनी है, इंडस्ट्री के सबसे सब बड़े जो दिग्गज लोग हैं उसमें काम कर रहे हैं, और जो फिल्म सबसे यानी कि सबने जो जो प्रीव्यू हुए हैं वहाँ सब ने बहुत पसंद आई है, उसका ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और पिक्चर अभी कल से थिएटर में आ रही है, अभी लोगों का प्यार मिलेगा मुझे गारंटी है इसकी। हाँ, अभी एक कहानी है जो ये भिरकिट शब्द है, ये पूरा एक महाराष्ट्र में जितना अपना विलेज है उसमें ये यूज़ किया जाता है भिरकिट, जो हर एक सुख का दुख का हर एक जो अपने पीछे पड़ता है, जैसे आप टेंशन बोलते हो या कुछ भी हो ऐसा, तो इसको हम मराठी में भिरकिट बोलते हैं। तो इस टाइटल जो हमारा भिरकिट है तो उसमें ही एक बहुत मज़ा है, और उसके साथ जो स्टोरी लाइन है मैं इतनी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसी चीज़ एक घटना ऐसी होती है उससे जुड़ते हैं सब एक एक करके, और जितने फंस जाते हैं ऐसे अपनी भिरकिट है, और ये ब्लैक कॉमेडी है। एक्चुअली भिरकिट इस फिल्म में मैंने रेशमा का कैरेक्टर किया है, बेसिकली शी इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम विलेज, तो इससे पहले भी मैंने ऐसे कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन इस जो फिल्म में मैंने किरदार निभाया है रेशमा का वो काफ़ी अलग है, जैसे कि मैं हालांकि रियल लाइफ में जैसी हूँ बिल्कुल वैसे इस फिल्म में नहीं हूँ, बहुत अलग कैरेक्टर किया है, और बस और इतने सारे बड़े स्टार कास्ट के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने के लिए, इसी में ही मेरा बहुत ज़्यादा नसीब अच्छा है ऐसा मुझे लग रहा है कि इसी एज में आकर मुझे गिरीश कुलकर्णी ऋषिकेश जोशी जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा आपने गिरीश? बहुत कुछ सीखी बातें सीखी है मैंने, लाइक जैसे कि उनका जो लैंग्वेज पे कमांड है विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मैं अभी स्कूल के डेज से जो हम बुक्स रीड कर रहे हैं ये वो, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता कि हम किसी भी कोई भी लैंग्वेज हो उस पर कमांड कर सके, लेकिन मैंने ऋषिकेश सर जो है उनसे एक बात सीखी है, कोई भी डायलॉग हो किसी भी लाइक कि विलेज टाइप हो और सिटी टाइप का हो इतने फ्लुएंटली बोलते हैं वो कि बस मुझे लगता है कि मैं उनको सुनते ही रहूँ बस, और बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा लेकिन जो चीज़ें मैंने उनसे सीखी है वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। दोनों फिल्में बहुत अलग हैं, जैसे अभी गिरीश कुलकर्णी उनको नेशनल अवार्ड मिला है, बहुत मराठी बॉलीवुड इंडस्ट्री सब लैंग्वेज में वो काम करते हैं, दोनों लैंग्वेज में बहुत अच्छा, और ऋषिकेश जोशी दोनों भी एक तगड़े कास्ट हैं हमारे फिल्म के, मोनालिसा है, तानाजी है ऐसे सैराट वाला तानाजी, और फिल्म बोबाटा और भिरकिट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों जॉनर अलग है और दोनों की मज़ा फिल्म के जॉनर बहुत अलग है और मज़ा भी अलग है उन दोनों फिल्म का। मैंने इनके साथ झाला बोबाटा फिल्म की थी, उसमें मुझे मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगी बिकॉज उस फिल्म में मुझे एक सॉन्ग मिला था पेंजल, और जब तक रिलीज़ होने वाली थी फिल्म तब तक उसके व्यूज़ मिलियंस में चले गए थे, और फिल्म रिलीज़ के बाद मुझे काफ़ी फिल्मों के ऑफ़र आई, तो मुझे इनके ऊपर ट्रस्ट था कि ये जो रोल मुझे ऑफ़र करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। जब मुझे कॉल आया और मुझे पता चला कि गिरीश कुलकर्णी सर इसमें काम कर रहे हैं, ऋषिकेश सर है, तानाजी जो मेरे अपोजिट था उसका सैराट फिल्म आ चुका था तब तक, तो मुझे मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और मैंने बस कह दिया कि हाँ, लेकिन अभी जब ये फिल्म की प्रोसीजर हो के फिल्म अभी रिलीज़ पे है तभी मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया और फिल्म के लिए हाँ कह दिया, सो इट वॉज़ अ वेरी गुड एंड फंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। इस बारे में मैं क्या ही कहूँ क्योंकि अभी मेरी खुद की फिल्म रिलीज़ है भिरकिट, हालांकि हमें अच्छे थिएटर स्क्रीन मिले हैं उसमें नो डाउट क्योंकि मेरी फिल्म अच्छी और वो चलने वाली है उसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है, मुझे बस ये बात है इसके आपने अभी पूछा है और मैं कुछ काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कभी मुझे मौका मिला इस बात के बारे में कहने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि
अभी की सिचुएशन ऐसी है कि मराठी फिल्म हिंदी फिल्म बहुत अच्छी बन रही है लेकिन वो पब्लिक तक पहुंच ही नहीं रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि हम लोग को उतनी स्क्रीन ही अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अभी यह हो रहा है कि कोई भी आ रहा है, कोई भी साउथ का फिल्म डब हो रहा है और वो हिंदी में रिलीज हो रहा है, तो हम लोग की फिल्म कब लगेगी? अगर तुम लोग सारे मुंबई में आके, महाराष्ट्र में आके साउथ की सब फिल्म यहाँ पे रिलीज कर रहे हो तो हम लोग को कब मिलेगा? हमारे यहाँ पे जब साउथ की फिल्म रिलीज होती है यहाँ पे स्क्रीन मिलता है, हम लोग की फिल्म क्यों नहीं लगती? करना है साउथ में, तेलुगु में लगती है, एक दो शो लगते हैं, उससे ज़्यादा शो नहीं लगते। यहाँ पर आते हैं, रीमेक करते हैं और वही फिल्म। फिर हम लोग का जो कंटेंट है, हम लोग जो लोग सोच रहे हैं, हम लोग के जो डायरेक्टर सोच रहे हैं, राइटर सोच रहे हैं, वो हम लोग कब तक करेंगे? कब हम लोग का जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुँचेगा? नहीं हो रहा है वो। क्योंकि हम लोग को अभी ऐसा है कि लास्ट मंथ एक मराठी हिस्टोरिकल फिल्म रिलीज हुई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये था कि कोई साउथ की फिल्म आई थी उसके वजह से हम लोग को शो ही नहीं मिले, तो कैसी मराठी फिल्म चलेगी, कैसा कलेक्शन दिखेगा? अभी हिंदी के बारे में भी वही है। ऐसा हो सकता है कि फिल्म का कंटेंट अच्छा हो लेकिन थिएटर ही नहीं मिले। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं खुद थिएटर में जाती हूँ, शो ही अवेलेबल नहीं है, कोई साउथ की फिल्म है वो तो बहुत दूर की बात, वो तो है ही है। अभी हम लोग अगर कोई चैनल लगा ले हिंदी का, सोनी मैक्स हो, कोई भी चैनल हो, मैंने अगर बटन ऑन कर दिया तो वहाँ पे होता है दुखी आत्मा, ऐसा कोई भी फिल्म होता है जो साउथ का डब होता है, हिंदी फिल्म नहीं है क्या? अगर हिंदी में, हम लोग मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग को खुद का कंटेंट ही नहीं देखने मिल रहा है, वहाँ की फिल्में हैं जो डब होके हम लोग को देखने मिल रहे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई रिलीज मत करो करके, करो, लेकिन प्रायोरिटीज फर्स्ट महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र के लोगों को भी मिलनी चाहिए। अगर हम लोग को प्रायोरिटीज मिलेंगे ही नहीं अभी इस एज में, अगर मुझे प्रायोरिटी नहीं मिला तो मैं क्या कब 30 साल की 40 साल की होके थोड़ी काम करियर बना सकती हूँ? अभी जो मैंने फिल्में की है, मेरी फिल्म अच्छी है लेकिन वो लोगों तक कब पहुँचेगी? जब नंबर ऑफ शोज मिलेंगे, बहुत सारे थिएटर्स में लगेंगे। मुझे अभी थोड़ा याद है कि बाला साहब ठाकरे जी ने सोंगाड़ा नाम की एक फिल्म हिंद माता थिएटर मुंबई में एक फिल्म उतार के मराठी फिल्म लगाई थी। उसके बाद आज तक, ये तो मैंने सुना है, शायद मैं तभी रहूँगी भी नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप ने, मेरे जो आजू बाजू वाले लोग हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई, उसके बाद आज तक कोई बाला साहेब ठाकरे मुंबई महाराष्ट्र में हुआ ही नहीं है कि जो कह सके कि भाई मेरे मराठी फिल्म का और हिंदी फिल्म का, बॉलीवुड का ये कंटेंट अच्छा है, ये फिल्म अच्छी नहीं, ये उतार के हमारी फिल्म लगाओ करके, ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कोई तो ऐसा खड़ा हो बाला साहेब ठाकरे जी के जैसा, जो मेरी जनरेशन के जो आर्टिस्ट है, मराठी आर्टिस्ट है, उनको सपोर्ट करे, आगे आए, आगे आके हमारे जो फिल्म्स हैं उनको भी नंबर ऑफ शोज मिले, थिएटर्स मिले। क्योंकि जब तक थिएटर्स नहीं मिलेंगे हम लोग कैसे, हम लोग का करियर कब होगा, कब हम तक ऑडियंस तक कब पहुँचेंगे? मैम, इसके अलावा जब आरआरआर रिलीज हुई थी तभी टिकट के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए थे, वो जो कि बॉलीवुड फिल्मों के लिए इतने बढ़ाए नहीं जाते, मराठी फिल्मों के लिए मोस्ट ऑफ द फिल्म मैंने देखा है टैक्स फ्री होती है, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? क्या ज़्यादा कलेक्शन दिखाने के लिए ये बढ़ाए गए थे टिकट रेट्स? मुझे ये लगता है कि हम लोग यहाँ पे, सब लोग मुंबई में आता है, मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी नहीं है, वहाँ के लोग आते हैं एक्स्ट्रा टैक्स ये करके टिकट बढ़ा के कमा रहे हैं, हमारे लोग कब कमाएंगे? हमारे फिल्म पे खर्चे नहीं होते, हमारा कंटेंट अच्छा नहीं होता क्या? हम लोग किसी को भी आर्टिस्ट लेके फिल्म करते, क्यों नहीं? बॉलीवुड में भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो बड़े बड़े स्पेंड करके प्रोड्यूसर्स आर्टिस्ट को लेते हैं। हमारे अगर टिकट का दाम देखते तो 200 रुपया, उनके अगर देखे तो 400-500, उनको नंबर ऑफ स्क्रीन ज़्यादा है, तो इसमें लॉस हमारा ही है। कैसे हमारी फिल्म चलेंगे? अगर हमारे एक बार प्रोड्यूसर का लॉस हुआ तो दूसरे टाइम प्रोड्यूसर कैसे फिल्म बनाएगा? अभी फिल्म आई चार्ली 777, वो भी, उसको भी बहुत सारी स्क्रीन मिली है, लेकिन जो मुंबई में अभी रिसेंटली फिल्म रिलीज हुई धर्मवीर या फिर शेर शिवराय, क्या कहना चाहेंगे, उनको इतनी स्क्रीन नहीं मिल पाई और उनका जो कलेक्शन था वो भी अच्छा था महाराष्ट्र में। मुझे ये लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम किसी की कोई फिल्म लाओ ही मत साउथ की, लगाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। रजनीकांत जी मेरे खुद की, मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ। कमल हसन जी मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ, लेकिन उनका एक टाइम रजनीकांत और कमल हसन जी की या रोज मैम
मैं खुद रजनीकांत सर की फैन हूँ, मैं खुद कमल जी की फैन हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि मैं जिनकी फैन हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी फिल्म रिलीज मत करो, मेरा ये कहना है कि हमारे लोगों को भी चांस दो। लेकिन अभी तो ये हो रहा है, कोई भी आ रहा है साउथ का, उसका फिल्म हो रहा है, हिंदी में डब हो रहा है, मराठी में डब हो रहा है रिलीज, अरे फिर हम लोग की फिल्म कब लगेगी? अभी आपने जो कहा कि जस शिवराज के बारे में भी, वो फिल्म बहुत अच्छी थी, मैंने खुद देखी है, लेकिन उनको नंबर ऑफ शोज नहीं अवेलेबल हुए क्योंकि KGF लगी थी, जबकि हमारे शोज की टिकट थी 300 रुपए, जबकि उनकी है 500-600 रुपए। तो हम लोग का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे क्यों नहीं हमारे फिल्म लगाते? लगाएंगे तभी 100-200, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे उनके 6-6 शो होते। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इंसाफी है, ये ना इंसाफी है। मैं चाहती हूँ कि श्रीमान जो बाला साहब ठाकरे जी सर थे, उनके जैसा कोई तो आगे आए, और उन्होंने जो उस समय पे किया था सोंगाड़ा फिल्म लगा के, मराठी फिल्म लगाई थी, तो हमारी तरफ से भी कोई आगे आना चाहिए और ये हमारे लिए भी होना चाहिए। मैम रिसेंटली जो है महेश बाबू जी ने कहा था कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? मैं इस बारे में क्या ही कहूँ, मुझे लगता है कि वो बॉलीवुड अफोर्ड नहीं कर सकते, ये ठीक है, लेकिन आप बॉलीवुड की एक्ट्रेस से शादी कर रहे हो, उन्हीं के साथ रह रहे हो, और आप बोल रहे हो कि बॉलीवुड ऑफर नहीं कर सकता। मैं इस पे स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती इस चीज पे। और बॉलीवुड ऑफर नहीं कर सकता, जब भी आप लोगों की फिल्म हिंदी डब होके यहाँ पे आती है, तो फिर क्यों रिलीज करते हो हिंदी में? नहीं करो, क्योंकि आपको वो ऑफर ही नहीं कर सकते। यस एग्जैक्टली, उनकी वाइफ महाराष्ट्रियन है, फिर भी वो कह रहे हैं कि उनको बॉलीवुड ऑफर नहीं, मैं क्या कहूँ, कुछ कह ही नहीं सकती मैं। सर एज अ डायरेक्टर आप क्या सोचते हैं इस पूरे सिनेरियो के बारे में, अगर उस बारे में कुछ बताएं? क्या एज अ मराठी फिल्म मेकर थोड़ा सा बुरा लगता है कि इतनी स्क्रीन्स नहीं मिल पाती महाराष्ट्र में रहने के बाद भी? बुरा तो लगता है, क्योंकि क्या है कि पहला तो रीजनल लैंग्वेज को पहला हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में हम फिल्म करेंगे, महाराष्ट्र के बाहर जाके हम लगा नहीं सकते, तो हमारी टेरिटरी लिमिटेड है। तो महाराष्ट्र में ही हमारा अगर मुंबई में कम शो, पुणे में कम शो, तो ये हर डायरेक्टर को प्रॉब्लम आ रही है, और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी पिक्चर के लाइनअप पूरे साल के हैं, तो हमें वो गैप निकालना पड़ता है कि अभी इस फ्राइडे थोड़ा, तब तक हम जब तक पिक्चर डिक्लेयर करें तब तक उनकी अनाउंसमेंट होती है, थिएटर ब्लॉक हो जाते हैं, तो हम उसमें स्पेस निकाल के एक शो दो शो में इतना स्ट्रगल करके हम नहीं कर पाएंगे उतना टारगेट हमारा अचीव। तो ये हर डायरेक्टर की समस्या है, मराठी डायरेक्टर की समस्या है, और महाराष्ट्र पिक्चर की समस्या है, मराठी फिल्म की समस्या है, और मराठी इंडस्ट्री दिन ब दिन ऐसे इतने कंटेंट अच्छे, इतना सॉलिड पिक्चर बन रही है, लेकिन हमें नंबर ऑफ स्क्रीन कम, तो हम नंबर से भी पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं, बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ। देखिए सर, मैं पहले कंटेंट की बात कर रहा हूँ, मराठी कंटेंट सैराट की बात कर रहा हूँ, मैं उठाया हम लोगों ने, लोगों ने देखा, करोड़ों कमाए, फिर क्या कुछ हो रहा है कंटेंट, अभी मेन कंटेंट है, रिमेक बनाई धर्मा प्रोडक्शन ने बनाई, करेक्ट सर। लेकिन उस टाइम पे कोई साउथ की मूवी नहीं थी या कोई भी बड़ी फिल्म नहीं थी, इस टाइम पे उनको स्पेस मिला, लेकिन बहुत ऐसे मराठी पिक्चर है कि उनको बहुत अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही हो रहा है, हर फ्राइडे कोई ना कोई ब्लॉक कर रहा है, तो हमें चांस नहीं मिल रहा है, तो हमारी पिक्चर देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि हमारी कंटेंट क्या है, हमारी फिल्म क्या है, तो हम अब तक पहुँच नहीं पा रहे, हमारा दुख है। हम कुछ कहेंगे इस पर? मैंने कहा सैराट की बात की, मैंने सैराट लोगों ने उठाई, सब ने देखी सैराट, फिर नॉन मार्शल लोगों ने भी देखी है, और यहाँ पे धर्म प्रसन्न ने हिंदी बना दी उसकी, ठीक आ गएंगे। तभी नंबर ऑफ शोज ज़्यादा थे, स्क्रीनिंग ज़्यादा थी, इसलिए वो फिल्म हिट हो पाई, और कंटेंट भी काफ़ी अच्छा था, उसी के लिए तो हम लोग कह ही रहे कि वो हमारा अच्छा ही लग था। लेकिन अभी ये है कि मैं खुद बोल रही हूँ कि मेरी फिल्म रिलीज पे है, उस टाइम पे कोई ना कोई साउथ की फिल्म आजकल आ ही रही है, उनकी फिल्म आई तो शो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो कब हम लोग का हमारा कंटेंट अच्छा होके भी लोगों तक नहीं पहुँच रहा है? तो तभी वो कॉम्पिटिशन नहीं था, आजकल की बात कर रही हूँ मैं, कि आजकल इतने ज़्यादा साउथ की फिल्म आ रहे, आया गया कोई भी साउथ की फिल्म है ही, हर फ्राइडे देखो तो फिल्म है, तो हम लोग की फिल्म कब लगवाए? यस, मुझे बिल्कुल लगता है, जब भी हम लोग जब बॉलीवुड फिल्म देखते हैं, साउथ को कोई भी एक्टर हो, यहाँ पे रिस्पेक्ट है, मैंने कभी नहीं देखा, हमारे एक्ट्रेस को मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जब भी कास्ट करते हैं तभी कोई छोटा रोल कोई मोटा रोल आया गया ऐसा इस तरह का उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, तो वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट होना चाहिए, कितने सारे लोग हैं बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पे बहुत
उंगली पे गिनने जितने आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से रोल कर पाए. मैंने, मुझे तो नहीं पता कि अभी एक ही है जो रजनीकांत सर जी की, उनके बारे में मुझे पता है कि उन्होंने वहाँ पे खुद का प्लेस बनाया. मुझे अभी कोई एक्टर नहीं पता कि जहाँ वहाँ पे जाके रिस्पेक्टेड कोई काम कर रहे करके. ऑफर आई साउथ फिल्मों की, आप करोगे नहीं करोगे कि पहले आपके साथ कुछ होगी, शर्तें होगी कि भाई शर्तें मिली? मैं पहले अपने खुद के रीजनल में काम करूंगी. मैं खुद महाराष्ट्र में काम कर रही हूँ. मैं आज भी खुद महाराष्ट्र के लिए बात कर रही हूँ, हिंदी फिल्मों के लिए बात कर रही हूँ. मैं खुद यहाँ पे आज मुंबई में हूँ, तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड आधा तो पूरा का पूरा बॉलीवुड मुंबई में ही है. तो मैं सबसे पहले अपने खुद के लिए और खुद के रीजन के लिए ही ये करूँगी. ये तो मैंने बहुत दूर की बात है, बाद में सोचेंगे. आने वाले टाइम पे कुछ राजनीति में आने वाले प्लान है क्या? नहीं, मैं राजनीति और पॉलिटिक्स के बारे में कभी सोचा भी नहीं और मैं जाना भी नहीं चाहती पॉलिटिक्स में. सर, क्रिकेट के लिए कितनी स्क्रीन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो और बोलो कहाँ पे रिलीज? अभी तो फिलहाल स्ट्रगल शुरू है, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए नंबर ऑफ स्क्रीन. आज रात तक हो जाएंगे, लेकिन कोशिश तो है कि अच्छे मिले. बस अभी गुरुवार रात तक पता चलेगा कुछ. अभी हाँ, वही अभी स्ट्रगल शुरू है. मैं करेक्ट है आपका, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी स्ट्रगल शुरू है, फोन शुरू है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बात कर रहे हैं, तो शाम तक नतीजा आएगा. लेकिन ये स्ट्रगल क्यों, ये हमारा कहना है. जो इतनी बड़ी पिक्चर बनी है, सब रिव्यू अच्छे आ गए फिल्म के, भिरकिट के सब रिव्यू अच्छे हैं. तो मेरा यही कहना है कि हमें स्ट्रगल कम करना चाहिए, क्योंकि अच्छे पिक्चरों को वेलकम होना चाहिए. तो फिर भी आज तक लिस्ट फाइनल नहीं है, प्रोग्रामिंग शुरू है. तो ये थिएटर नहीं मिलेगा अभी तक, फाइनल नहीं हो जाएगा मालूम नहीं, लेकिन शाम तक, अभी तक मैं बात नहीं कर सकता उस पर थोड़ा. लेकिन स्ट्रगल तो शुरू है अभी. मैं चाहती हूँ पहुँचेगी जब नंबर ऑफ शोज मिलेंगे, थिएटर्स मिलेंगे. अभी मैं आते आते मैंने देखा तो साउथ के अभी दो फिल्म लगे हुए और हम लोग की यहाँ पे मारा मारी चल रही है कि हम लोग को कब नंबर ऑफ शोज मिलेंगे. जबकि हमारा रिव्यू अच्छा है, सर ने इतनी अच्छी फिल्म की है, सब ने जी लगा के इसमें जी जा लगा के दिन रात एक करके काम किया है. तो हम लोग को अगर नंबर ऑफ स्क्रीन्स नहीं मिले, शोज नहीं मिले, तो क्या फ़ायदा अच्छी फिल्में बन के. नहीं, वो सपोर्ट करेंगे, उसमें कोई शक नहीं. लेकिन ये जो स्ट्रगल है, उनके पास पहुँचे, हर फ्राइडे हम क्यों जाए उनके पास? उनको भी बाकी के काम है ना. तो अगर महाराष्ट्र में हमें सीधा सीधा वेलकम हो जाए तो ये चीज़ें क्यों, ये हमारा कहना है. अगर अच्छा ये हुआ ना तो बहुत अच्छा होगा. सिर्फ क्या है कि ये सब थिएटर ब्लॉक होते हैं ना, ये हमारा टेंशन है. ये हर फ्राइडे अगर रहेगा तो मराठी फिल्म जाएगी कहाँ? हाँ, तो अभी पूरे महाराष्ट्र में हो गया है सब. मराठी लैंग्वेज को पहला हमें सम्मान दीजिए और मराठी फिल्म के लिए पहले स्क्रीन अवेलेबल कीजिए, यही कहना है. हम बोल ऐसा नहीं बोल रहे कि किसी पे अन्याय हो, लेकिन पहला न्याय हमें दीजिए बस. हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र में ही मराठी फिल्म के लिए थिएटर्स नहीं है, इससे क्या क्या बात है ये? दैट्स नॉट फेयर एक्चुअली. ओके, भिरकिट ही एक हा ग्रामीण शब्द आहे आणि गिरीश कुलकर्णी नॅशनल अवॉर्ड विनर ह्याच्यातले मेन लीड आहेत. गिरीश कुलकर्णींबरोबर ऋषिकेश जोशी, कुशल बद्रिके, मोनालिसा बागल, तानाजी गालगुंडे, सागर कारंडे, हे खूप मोठी अशी कास्टिंगची फळी आहे आणि सगळे दिग्गज कलाकार आहेत. फिल्म उद्या रिलीज आहे, पण फिल्मचे रिव्ह्यू पण खूप जबरदस्त आलेले आहे. सगळ्यांना खूप फिल्म आवडते आता. आणि फिल्मची गोष्ट ही, भिरकिट हा शब्द आहे हा ग्रामीण भागामध्ये खूप वापरला जातो. सुखाचं, आनंदाचं, दुःखाचं जे एका आपल्या मागे लागतं त्याला भिरकिट म्हटलं जातं आणि ते भिरकिट त्या सगळ्यांच्या मागे लागलेलं आहे हे सिनेमातच तुम्हाला पाहायला मिळेल.
मी या सिनेमामध्ये रेशमाचं कॅरेक्टर केलं आहे, जे एक गावकरी मुलीची भूमिका आहे. आणि तानाजीसोबत या सिनेमात तसं बघितलं तर मी पहिल्यांदाच काम केलं होतं आणि माझा खरंच खूप चांगला अनुभव होता. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या सिनेमामध्ये मला दिग्गज कलाकारांबरोबर काम करायला मिळालं, गिरीश कुलकर्णी सर, ऋषिकेश जोशी सर, आणि खूप काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या. आणि महत्त्वाचं म्हणजे मी पश्चिम महाराष्ट्रातली आणि ह्याचं शूटिंग सगळं कराड सातारा ह्या ठिकाणी झाल्यामुळे मी खूप एन्जॉय केली ही सगळी प्रोसिजर. आणि मला इतकं सुंदर गाणं मिळालं आहे, लाईन दे मला, जे की नकाशनी हे सॉन्ग गायलं आहे गाणं. आणि मी लावणी कधीच यापूर्वी केली नव्हती, पहिल्यांदा ह्या सिनेमात मी लावणीतसुद्धा आहे. सो खरंच खूप मस्त एक्सपिरियन्स होता माझा. आणि जब आपको ऑफर किया गया सरने तो क्या क्या रिएक्शन था और क्या कहना चाहेंगे? मी सरांसोबत झाला बोबाठा नावाची फिल्म केली होती, सरांनी त्या सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं होतं, त्यामुळे एक मी ओळखत होते आधीपासूनच त्यांना. आणि मला ज्यावेळेस कॉल आला की क्रिकेटमध्ये एक रेशमाचा रोल आहे जो की तू करावा असं वाटतंय तर सांग तुम्हाला, मी विचारच नाही केला, मी त्याच कॉलला सरांना म्हटले हो सर मी करणार, बिकॉज मला माहीत होतं की ते माझ्यासाठी नक्कीच चांगला रोल त्यांनी मला ऑफर केला असेल म्हणून. आणि सर तुमचा एक्सपिरियन्स कसा होता मोनालिसाबद्दल? मोनालिसा ही आता अभिनयात सुद्धा खूप भक्कम आणि सक्षम होत चाललेली आहे आणि तुम्ही चित्रपट पाहिल्यानंतर कळेलच. आणि आम्ही एक हिस्टॉरिकल सिनेमा पण केलेला आहे, कम्प्लीट झालेला आहे, त्याच्यामुळे मला आम्ही एकत्र जे काम केले आहेत त्याचे रिझल्ट्स पण 100% चांगले आलेले आहेत आणि लोकांना पण ते आवडतं. ऑल्सो जसं की खूप डिबेट चालली आहे साऊथ सिनेमा, बॉलिवूड सिनेमा, मराठी सिनेमा, काय सांगाल याच्याबद्दल? आणि जसं सरांनी सांगितलं प्रेस कॉन्फरन्समध्ये स्क्रीन नाही भेटली फिल्मला, किती दुःखाची गोष्ट आहे. मला असं वाटतं की आपण महाराष्ट्रात राहतो तर मराठी फिल्मला सगळ्यात पहिलं प्राधान्य मिळालं पाहिजे. आजकाल असं चाललंय की मराठी फिल्म राहिल्या बाजूला साऊथच्याच फिल्मला जास्त प्राधान्य दिलं गेलं आहे, त्यांच्या तिकीटचे जे पेमेंट आहे ते आमच्यापेक्षा रक्कम जास्त आहे. मग हे असं का? आमचे शोज लागतात का 5-5, 6-6 मराठी फिल्म्सचे तिथे साऊथमध्ये? नाही लागत. मग आमच्याच बाबतीत हा अन्याय का? बॉलिवूडसुद्धा चांगल्या फिल्म्स बनतात पण नंबर ऑफ शोज मिळत नाही आहेत सध्या. तर फिल्म्स हिट का होतील का? कंटेंट आमचे कंटेंट चांगले आहेत पण लोकांपर्यंत पोहोचत नाही आहेत कारण नंबर ऑफ शोज स्क्रीन आम्हाला मिळत नाही आहेत. सो हे खूप दुर्दैव आहे. माननीय श्री बाळासाहेब ठाकरेजींनी सोंगाड्या नावाची जी फिल्म होती ती लावली होती एक फिल्म काढून, तर मला असं वाटतं की आत्ता पुन्हा पुढे ते कोणीतरी आलं पाहिजे आणि तसं घडलं पाहिजे. साऊथच्या फिल्म्सच्या ऐवजी मराठी फिल्म्स तिथे लागल्या पाहिजे, तेव्हा मराठी सिनेमा कुठेतरी पुढे जाईल. एक तुम्हाला वाटतं की एक रूल बनलं पाहिजे मराठी फिल्मसाठी की मराठी फिल्मला पहिलं प्राधान्य मिळलं पाहिजे जसं की मोनालिसाने सांगितलं? करेक्ट आहे, असं बनलंच पाहिजे कारण का हे आज आम्ही बोलतोय यावर आणि मग कुणीतरी आज त्याच्यावर बोललंच पाहिजे. आज जर नाही बोललं तर हा अन्याय वाढत जाईल आणि मग कालांतराने आमचे सिनेमे काय डायरेक्ट टी व्हीवर आणायचं का असा आम्हाला प्रश्न पडेल. तर त्याच्यामुळं हे व्हायलाच पाहिजे आणि सरकार पण याच्याकडे लक्ष देईल आणि मराठीसाठी योग्य ते प्लॅटफॉर्म देईल आम्हाला, योग्य शोज देईल, थिएटर्स अवेलेबल करून देतील ते, आम्ही त्या क्षणाची वाट पाहू, नाही तर आमचा लढा असाच चालू ठेवा. आणि मराठी सिनेमा टॅक्स फ्री झाला पाहिजे प्रत्येक सिनेमा? नाही, मराठी सिनेमांना टॅक्स फ्री दिली म्हणजे आम्हाला ते टॅक्स फ्रीसाठी त्यांनी हे केलेलं आहे, मराठी सिनेमा टॅक्स फ्री आहे त्याच्याबद्दल काही म्हणणं नाही आहे. सगळं असून आम्हाला चित्रपटगृह पाहिजेत ना, सिनेमागृह पाहिजेत. सिनेमा हॉल नसतील तर लोक बघतील कुठे? त्याच्यामुळं यांना एका वेळेस वन टाइम सिनेमे हे खूप स्क्रीनला लागतात, तसं आम्हाला मिळावं, जास्त स्क्रीनसाठी स्ट्रगल नसावा. ओके, और कोरोना के पहले जो है राज ठाकरे जी ने कहा था कि जो टिकट प्राइस है वो कम किए जाएंगे मराठी सिनेमा के लिए और भी लोगों को आकर्षित करने के लिए ये कदम उठाया जाएगा. हाँ, ये हो रहा है. अच्छा, ये होगा ही, लेकिन कब होगा? टिकट रेट कम भी होंगे, सब होगा, लेकिन शोज मिलेंगे, ऑडियंस आएगी तब ना. शो नहीं है तो टिकट है या नहीं उसका कुछ ये नहीं, फर्क नहीं पड़ता. हमें शोज चाहिए, हमारा कहना है, बाकी की किस पे कंप्लेंट नहीं है. ये अलग इंडस्ट्री के लोग यहाँ आके कब्जा कर रहे हैं और हमें शोज नहीं मिला, ये हमारा दुख है. बाकी सब कुछ ठीक है, हमारा हमारे लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट दिया है. लेकिन कोरोना ने पहले जो पीवीआर में एक रूल बनाया था कि कोई भी सिनेमा में एक शो हमेशा मराठी का कंपलसरी था, तो ये वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी एक शो जो है उसमें कोई हमारी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हमारा कंटेंट इतना स्ट्रांग है तो हमें 3 शो चाहिए. एक शो मिला, लेकिन क्या है कि मराठी सिनेमा स्लो पॉइजनिंग है, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं. अचानक से प्लास्टिक नहीं कलेक्शन आता है, उसके फर्स्ट डे लग गया और इतना बम्पर ओपनिंग मिला है, वो बहुत स्लो पॉइजन है. तो स्लो पॉइजन कब होगा कि धीरे धीरे शो बढ़ेंगे, माउथ वेलोसिटी होंगे तो ये होगा. इसलिए हमें
तीन शो मिले तो लोग देखेंगे ज़्यादा, पिक्चर की पब्लिसिटी अच्छी होगी, पिक्चर पकड़ेंगे अच्छी तरह से। और क्या क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से और जनता आपको देख रही है? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में मराठी फिल्म्स के लिए नंबर ऑफ शोज हो, क्योंकि हम लोग का कंटेंट अच्छा है, वो लोगों तक पहुँचे। जैसे कि ये होना ही चाहिए, बोलते हैं एक परमानेंट रूल होना चाहिए कि मराठी फिल्म को मल्टीप्लेक्स में भी दो दो तीन तीन शो दो, क्योंकि ये ऐसी बात है कि फिर एक सर्टन टाइम के बाद ऐसे लगे कि हम लोग हमारी फिल्म OTT के लिए भी बनाए क्या, क्योंकि अगर थिएटर्स में हम लोग को स्क्रीन ही नहीं मिल रहे तो वही होने वाला है लास्ट में कि हम लोग को फिल्म सिर्फ OTT के लिए ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि थिएटर्स में ऑडियंस आएगी ही नहीं, क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ शोज नहीं। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रिक्टली रूल होना चाहिए कि मराठी को भी उतनी ही प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए जितनी कि साउथ की जो फिल्में अभी आ रही है उनकी प्रायोरिटीज़ है। बस यही अपील करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। बिरकिट 17 जून यानी कल मेरी पिक्चर रिलीज़ हो रही है। पिक्चर बहुत बढ़िया बनी है, इंडस्ट्री के सब बड़े जो दिग्गज लोग हैं उसमें काम कर रहे हैं, और जो फिल्म सबसे यानी कि सबने जो प्रीव्यू हुए हैं वहाँ सब ने बहुत पसंद आई है, उसका ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और पिक्चर अभी कल से थिएटर में आ रही है, अभी लोगों का प्यार मिलेगा, मुझे गारंटी है इसकी। हाँ, अभी एक कहानी है जो ये भिरकिट शब्द है, ये पूरा एक महाराष्ट्र में जितना अपना विलेज है उसमें ये यूज़ किया जाता है, भिरकिट, जो हर एक सुख का दुख का हर एक जो अपने पीछे पड़ता है, जैसे आप टेंशन बोलते हो या कुछ भी हो ऐसा, तो इसको हम मराठी में भिरकिट बोलते हैं। तो इस टाइटल जो हमारा भिरकिट है तो उसमें ही एक बहुत मज़ा है, और उसके साथ जो स्टोरी लाइन है मैं इतनी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसी चीज़ एक घटना ऐसी होती है उससे जुड़ते हैं सब एक एक करके, और जितने फंस जाते हैं ऐसे अपनी भिरकिट है, और ये ब्लैक कॉमेडी है। एक्चुअली भिरकिट इस फिल्म में मैंने रेशमा का कैरेक्टर किया है, बेसिकली शी इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम विलेज, तो इससे पहले भी मैंने ऐसे कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन इस जो फिल्म में मैंने किरदार निभाया है रेशमा का वो काफ़ी अलग है। जैसे कि मैं हालांकि रियल लाइफ में जैसी हूँ बिल्कुल वैसे इस फिल्म में नहीं हूँ, बहुत अलग कैरेक्टर किया है, और बस और इतने सारे बड़े स्टार कास्ट के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने के लिए, इसी में ही मेरा बहुत ज़्यादा नसीब अच्छा है ऐसा मुझे लग रहा है कि इसी एज में आकर मुझे गिरीश कुलकर्णी, ऋषिकेश जोशी जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए। बहुत कुछ सीखी है मैंने, लाइक जैसे कि उनका जो लैंग्वेज पे कमांड है विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मैं अभी स्कूल के डेज से जो हम बुक्स रीड कर रहे हैं ये वो, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता कि हम किसी भी कोई भी लैंग्वेज हो उस पे कमांड कर सके, लेकिन मैंने ऋषिकेश सर जो है उनसे एक बात सीखी है, कोई भी डायलॉग हो किसी भी लाइक कि विलेज टाइप हो और सिटी टाइप का हो, इतने फ्लुएंटली बोलते हैं वो कि बस मुझे लगता है कि मैं उनको सुनते ही रहूं।
बस और बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा लेकिन जो चीज़ें मैंने उनसे सीखी है वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। दोनों फिल्में बहुत अलग हैं। जैसे अभी गिरीश कुलकर्णी, उनको नेशनल अवार्ड मिला है, बहुत मराठी बॉलीवुड इंडस्ट्री सब लैंग्वेज में वो काम करते हैं, दोनों लैंग्वेज में बहुत अच्छा। और ऋषिकेश जोशी, दोनों भी एक तगड़े कास्ट हैं हमारे फिल्म के। मोनालिसा है, तानाजी है, ऐसे सैराट वाला तानाजी। और फिल्म बोबाटा और भिरकिट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों जॉनर अलग है और दोनों की मज़ा, फिल्म के जॉनर बहुत अलग है और मज़ा भी अलग है उन दोनों फिल्म का। मैंने इनके साथ झाला बोबाटा फिल्म की थी, उसमें मुझे मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगी, बिकॉज उस फिल्म में मुझे एक सॉन्ग मिला था पेंजल, और जब तक रिलीज़ होने वाली थी फिल्म तब तक उसके व्यूज़ मिलियंस में चले गए थे, और फिल्म रिलीज़ के बाद मुझे काफ़ी फिल्मों के ऑफ़र आई, तो मुझे इनके ऊपर ट्रस्ट था कि ये जो रोल मुझे ऑफ़र करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। जब मुझे कॉल आया और मुझे पता चला कि गिरीश कुलकर्णी सर इसमें काम कर रहे हैं, ऋषिकेश सर है, तानाजी जो मेरे अपोजिट था उसका सैराट फिल्म आ चुका था तब तक, तो मुझे मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और मैंने बस कह दिया कि हाँ। लेकिन अभी जब ये फिल्म की प्रोसीजर हो के फिल्म अभी रिलीज़ पे है, तभी मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया और फिल्म के लिए हाँ कह दिया। सो इट वॉज अ वेरी गुड एंड फंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। इस बारे में मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि अभी मेरी खुद की फिल्म रिलीज़ है भिरकिट, हालांकि हमें अच्छे थिएटर स्क्रीन मिले हैं उसमें नो डाउट, क्योंकि मेरी फिल्म अच्छी और वो चलने वाली है उसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है। मुझे बस ये बात है इसके आपने अभी पूछा है, और मैं कुछ काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कभी मुझे मौका मिले इस बात के बारे में कहने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि मराठी फिल्म, हिंदी फिल्म बहुत अच्छी बन रही है लेकिन वो पब्लिक तक पहुंच ही नहीं रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि हम लोग को उतनी स्क्रीन ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी यह हो रहा है कि कोई भी आ रहा है, कोई भी साउथ का फिल्म डब हो रहा है और वो हिंदी में रिलीज़ हो रहा है, तो हम लोग की फिल्म कब लगेगी? अगर तुम लोग सारे के सारे मुंबई में आके, महाराष्ट्र में आके साउथ के सब फिल्म यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हो, तो हम लोग को कब मिलेगा? हमारे यहाँ पे जब साउथ की फिल्म रिलीज़ होती है यहाँ पे स्क्रीन मिलता है, हम लोग की फिल्म क्यों नहीं लगती करना है? साउथ में, तेलुगू में लगती है, एक दो शो लगते हैं, उससे ज़्यादा शो नहीं लगते। यहाँ पर आते हैं, रीमेक करते हैं और वही फिल्म, फिर हम लोग का जो कंटेंट है, हम लोग जो लोग सोच रहे हैं, हम लोग के जो डायरेक्टर सोच रहे हैं, राइटर सोच रहे, वो हम लोग कब तक करेंगे? कब हम लोग का जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुँचेगा? नहीं हो रहा है वो, क्योंकि हम लोग को अभी ऐसा है कि लास्ट मंथ एक मराठी हिस्टोरिकल फिल्म रिलीज़ हुई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये था कि कोई साउथ की फिल्म आई थी उसके वजह से हम लोग को शो ही नहीं मिले, तो कैसी मराठी फिल्म चलेगी, कैसा कलेक्शन दिखेगा? अभी हिंदी के बारे में भी वही है, ऐसा हो सकता है कि फिल्म का कंटेंट अच्छा हो लेकिन थिएटर ही नहीं मिले। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं खुद थिएटर में जाती हूँ, शो ही अवेलेबल नहीं है, कोई साउथ की फिल्म है वो तो बहुत दूर की बात, वो तो है ही है। अभी हम लोग अगर कोई चैनल लगा ले हिंदी का, सोनी मैक्स हो, कोई भी चैनल हो, मैंने अगर बटन ऑन कर दिया तो वहाँ पे होता है दुखी आत्मा, ऐसा कोई भी फिल्म होता है जो साउथ का डब होता है, हिंदी फिल्म नहीं है क्या? अगर हिंदी में, हम लोग मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग को खुद का कंटेंट ही नहीं देखने मिल रहा है, वहाँ की फिल्में हैं जो डब होके हम लोग को देखने मिल रहे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई रिलीज मत करो करके, करो, लेकिन प्रायोरिटीज फर्स्ट महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र के लोगों को भी मिलनी चाहिए। अगर हम लोग को प्रायोरिटीज़ मिलेंगे ही नहीं अभी इस एज में, अगर मुझे प्रायोरिटी नहीं मिला तो मैं क्या कब 30 साल की 40 साल की होकर थोड़ी काम करियर बना सकती हूँ? अभी जो मैंने फिल्में की है, मेरी फिल्म अच्छी है लेकिन वो लोगों तक कब पहुँचेगी? जब नंबर ऑफ़ शोज़ मिलेंगे, बहुत सारे थिएटर्स में लगेंगे। मुझे अभी थोड़ा याद है कि बाला साहब ठाकरे जी ने सोंगाड़ा नाम की एक फिल्म हिंद माता थिएटर मुंबई में एक फिल्म उतार के मराठी फिल्म लगाई थी, उसके बाद आज तक, ये तो मैंने सुना है, शायद मैं कभी रहूँगी भी नहीं, लेकिन मेरे
माँ बाप ने, मेरे जो आजू बाजू वाले लोग हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई। उसके बाद आज तक कोई बाला साहेब ठाकरे मुंबई महाराष्ट्र में हुआ ही नहीं है कि जो कह सके कि भाई मेरे मराठी फिल्म का और हिंदी फिल्म का बॉलीवुड का ये कंटेंट अच्छा है, ये फिल्म अच्छी नहीं, ये उतार के हमारी फिल्म लगाओ कर। ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कोई तो ऐसा खड़ा हो बाला साहेब ठाकरे जी के जैसा, जो मेरी जनरेशन के जो आर्टिस्ट है, मराठी आर्टिस्ट है, उनको सपोर्ट करे, आगे आए, आगे आके हमारे जो फिल्म्स हैं उनको भी नंबर ऑफ शोज मिले, थिएटर्स मिले। क्योंकि जब तक थिएटर्स नहीं मिलेंगे हम लोग कैसे, हम लोग का करियर कब होगा, कब हम तक ऑडियंस तक कब पहुँचेंगे। मैम इसके अलावा जब आरआरआर रिलीज हुई थी तभी टिकट के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए थे, वो जो कि बॉलीवुड फिल्मों के लिए इतने बढ़ाए नहीं जाते, मराठी फिल्मों के लिए मोस्ट ऑफ द फिल्म मैंने देखा है टैक्स फ्री होती है, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, क्या ज़्यादा कलेक्शन दिखाने के लिए ये बढ़ाए गए थे टिकट रेट्स। मुझे ये लगता है कि हम लोग यहाँ पे सब लोग मुंबई में आता है, मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी नहीं है, वहाँ के लोग आते हैं एक्स्ट्रा टैक्स ये करके टिकट बढ़ा के कमा रहे हैं, हमारे लोग कब कमाएंगे, हमारा फिल्म, हमारे फिल्म पे खर्चे नहीं होते, हमारा कंटेंट अच्छा नहीं होता, क्या हम लोग किसी को भी आर्टिस्ट लेके फिल्म करते, क्यों नहीं। बॉलीवुड में भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो बड़े बड़े स्पेंड करके प्रोड्यूसर्स आर्टिस्ट को लेते हैं, हमारे अगर टिकट का दाम देखते तो 200 रुपया, उनके अगर देखे तो 400-500, उनको नंबर ऑफ स्क्रीन ज़्यादा है, तो इसमें लॉस हमारा ही है, कैसे हमारी फिल्म चलेंगी। अगर हमारे एक बार प्रोड्यूसर का लॉस हुआ तो दूसरे टाइम प्रोड्यूसर कैसे फिल्म बनाएगा। अभी एक फिल्म आई है 4777, वो भी उसको भी बहुत सारी स्क्रीन मिली है, लेकिन जो मुंबई में अभी रिसेंटली फिल्म रिलीज हुई धर्मवीर या फिर शेर शिवराय, क्या कहना चाहेंगे, उनको इतनी स्क्रीन नहीं मिल पाई और उनका जो कलेक्शन था वो भी अच्छा था महाराष्ट्र में। मुझे ये लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम किसी की कोई फिल्म लाओ ही मत साउथ की, लगाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। रजनीकांत जी मेरे खुद की, मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ, कमल हसन जी मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ, लेकिन उनका एक टाइम रजनीकांत और कमल हसन जी बोलती या रोज मैम, मैं खुद रजनीकांत सर की फ़ैन हूँ, मैं खुद कमल जी की फ़ैन हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि मैं जिनकी फ़ैन हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी फ़िल्म रिलीज़ मत करो, मेरा ये कहना है कि हमारे लोगों को भी चांस दो। लेकिन अभी तो ये हो रहा है, कोई भी आ रहा है साउथ का, उसका फिल्म हो रहा है हिंदी में डब हो रहा है, मराठी में डब हो रहा है रिलीज़, अरे फिर हम लोग की फ़िल्म कब लगेगी। अभी आपने जो कहा कि जस शेर शिवराज के बारे में भी, वो फिल्म बहुत अच्छी थी, मैंने खुद देखी है, लेकिन उनको नंबर ऑफ शोज नहीं अवेलेबल हुए क्योंकि KGF लगी थी, जबकि हमारे शोज की टिकट थी 300-400 रुपये, जबकि उनकी है 500-600 रुपये, तो हम लोग का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। वहाँ पे क्यों नहीं हमारे फिल्म लगाते, लगाएंगे तो भी 100-200, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे उनके 6-6 शो होते, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इंसाफी है, ये ना इंसाफी है। मैं चाहती हूँ कि श्रीमान जो बाला साहेब ठाकरे जी सर थे उनके जैसा कोई तो आगे आए, और उन्होंने जो उस समय पे किया था सोंगाड़ा फिल्म लगा के मराठी फिल्म लगाई थी, तो हमारी तरफ से भी कोई आगे आना चाहिए और ये हमारे लिए भी होना चाहिए। मैम रिसेंटली जो है महेश बाबू जी ने कहा था कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस बारे में क्या कहना चाहूँगा। मैं इस बारे में क्या ही कहूँ, मुझे लगता है कि वो बॉलीवुड अफोर्ड नहीं कर सकते, ये ठीक है, लेकिन आप बॉलीवुड की एक्ट्रेस से शादी कर रहे हो, उन्हीं के साथ रह रहे हो, और आप बोल रहे हो कि बॉलीवुड अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं इस पर स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती इस चीज पे। और बॉलीवुड अफोर्ड नहीं कर सकता, जब भी आप लोगों की फिल्म हिंदी डब होके यहाँ पे आती है तो फिर क्यों रिलीज करते हो हिंदी में, नहीं करो, क्योंकि आपको वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यस एग्जैक्टली, उनकी वाइफ महाराष्ट्रियन है, फिर भी वो कह रहे हैं कि उनको बॉलीवुड अफोर्ड नहीं कर, मैं क्या कुछ कह ही नहीं सकती मैं सेंटेंस का। सर एज अ डायरेक्टर आप क्या सोचते हैं पूरे सिनेरियो के बारे में, अगर उस बारे में कुछ बताएं, क्या एज अ मराठी फिल्म मेकर थोड़ा सा बुरा लगता है कि इतनी स्क्रीन नहीं मिल पाती महाराष्ट्र में रहने के बाद भी। बुरा तो लगता है, क्योंकि क्या है कि पहला तो रीजनल लैंग्वेज को पहला हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में हम फिल्म करेंगे, महाराष्ट्र के बाहर जाके हम लगा नहीं सकते, तो हमारी टेरिटरी लिमिटेड है, तो महाराष्ट्र में ही हमारा अगर मुंबई में कम शो, पुणे में कम शो, तो ये हर डायरेक्टर को प्रॉब्लम आ रही है और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके पिक्चर के लाइनअप पूरे साल के हैं,
तो हमें वो गैप निकालना पड़ता है कि अभी इस फ्राइडे थोड़ा, तब तक हम जब तक पिक्चर डिक्लेयर करें तब तक उनकी अनाउंसमेंट होती है, थिएटर ब्लॉक हो जाते हैं, तो हम उसमें स्पेस निकाल के एक शो दो शो में इतना स्ट्रगल करके हम नहीं कर पाएंगे उतना टारगेट हमारा अचीव। तो ये हर डायरेक्टर की समस्या है, मराठी डायरेक्टर की समस्या और महाराष्ट्रीय पिक्चर की समस्या, मराठी फिल्म की समस्या है, और मराठी इंडस्ट्री दिन ब दिन ऐसे इतने कंटेंट अच्छे, इतना सॉलिड पिक्चर बन रही है, लेकिन हमें नंबर ऑफ स्क्रीन कम, तो हम नंबर से भी पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं, बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ। लेकिन सर मैं आपसे कंटेंट की बात करूँ, मराठी कंटेंट सैराट की बात करूँ, मैं उठाया हम लोगों ने देखा, करोड़ों कमाए, फिर क्या कुछ हो रहा है कंटेंट, अभी मेन कंटेंट रीमेक बनाई धर्मा प्रोडक्शन ने बनाई। करेक्ट करेक्ट सर, लेकिन उस टाइम पे कोई साउथ की मूवी नहीं थी या कोई भी बड़ी फिल्म नहीं थी, इस टाइम पे उनको स्पेस मिला, लेकिन बहुत ऐसे मराठी पिक्चर है कि उनको बहुत अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही हो रहा है, हर फ्राइडे कोई ना कोई ब्लॉक कर रहा है, तो हमें चांस नहीं मिल रहा है। तो हमारी पिक्चर देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि हमारी कंटेंट क्या है, हमारी फिल्म क्या है, तो हम अब तक पहुँच नहीं पा रहे, ये हमारा दुख है। हम कुछ कहेंगे इस पर? मैंने कहा सैराट, सैराट की बात की, मैंने सैराट लोगों ने उठाई, सबने देखी सैराट, फिर नॉन मार्शन लोगों ने भी देखी है, और यहाँ पे धर्म प्रसन्न ने हिंदी बना दी उसकी, उसकी क्या कहेंगे? तभी नंबर ऑफ शोज ज़्यादा थे, स्क्रीनिंग ज़्यादा थी, इसलिए वो फिल्म हिट हो पाई और कंटेंट भी काफ़ी अच्छा था, उसी के लिए तो हम लोग कह ही रहे कि वो हमारा अच्छा ही लग था। लेकिन अभी ये है कि मैं खुद बोल रही हूँ कि मेरी फिल्म रिलीज पे है, उस टाइम पे कोई ना कोई साउथ की फिल्म आजकल आ ही रही है, उनकी फिल्म आई तो शो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो कब हम लोग का हमारा कंटेंट अच्छा होके भी लोगों तक नहीं पहुँच रहा है? तो तभी वो कंपटीशन नहीं था, आजकल की बात कर रही हूँ मैं कि आजकल इतने ज़्यादा साउथ की फिल्म आ रहे हैं, आ गया कोई भी साउथ की फिल्म है ही, हर फ्राइडे देखो तो फिल्म है, तो हम लोग की फिल्म कब लगवाए? यस, मुझे बिल्कुल लगता है, जब हम लोग जब बॉलीवुड फिल्म देखते हैं साउथ को, कोई भी एक्टर हो यहाँ पे रिस्पेक्ट है, मैंने कभी नहीं देखा हमारे एक्ट्रेस को, मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जब भी कास्ट करते हैं तभी कोई छोटा रोल कोई मोटा रोल आया गया ऐसा इस तरह का उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, तो वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट होना चाहिए, कितने सारे लोग हैं बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पे बहुत उंगली पे गिनने जितने आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से रोल कर पाए, मैंने मुझे तो नहीं पता कि अभी एक ही है जो रजनीकांत सर जी की, उनके बारे में मुझे पता है कि उन्होंने वहाँ पे खुद का प्लेस बनाया, मुझे अभी कोई एक्टर नहीं पता कि जहाँ वहाँ पे जाके रिस्पेक्टेड कोई काम कर रहे करके। ऑफर आई साउथ फिल्मों की, आप करोगे नहीं करोगे कि पहले आपके साथ कुछ होगी, शर्तें होगी कि भाई शर्तें में? मैं पहले अपने खुद के रीजनल में काम करूंगी, मैं खुद महाराष्ट्र में काम कर रही हूँ, मैं आज भी खुद महाराष्ट्र के लिए बात कर रही हूँ, हिंदी फिल्मों के लिए बात कर रही हूँ, मैं खुद यहाँ पे आज मुंबई में हूँ, तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड आधा तो पूरा का पूरा बॉलीवुड मुंबई में ही है, तो मैं सबसे पहले अपने खुद के लिए और खुद के रीजन के लिए ही ये करूँगी, ये तो मेरे बहुत दूर की बात है, बाद में सोचेंगे। आने वाले टाइम पे कुछ राजनीति में आने वाले प्लान है क्या? नहीं, मैं राजनीति और पॉलिटिक्स के बारे में कभी सोचा भी नहीं और मैं जाना भी नहीं चाहती पॉलिटिक्स में। सर क्रिकेट के लिए कितनी स्क्रीन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? बोलो कहाँ पे रिलीज होने? अभी तो फिलहाल स्ट्रगल शुरू है, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए नंबर ऑफ स्क्रीन, आज रात तक हो जाएंगे, लेकिन कोशिश तो है कि अच्छे मिले, बस अभी गुरुवार रात तक पता चलेगा कुछ अभी। हाँ वही, अभी स्ट्रगल शुरू है, मैं करेक्ट है आपका, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी स्ट्रगल शुरू है, फोन शुरू है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बात कर रहे हैं, तो शाम तक नतीजा आएगा, लेकिन ये स्ट्रगल क्यों, ये हमारा कहना है, जो इतनी बड़ी पिक्चर बनी है, सब रिव्यू अच्छे आ गए फिल्म के, भिरकिट के सब रिव्यू अच्छे हैं, तो मेरा यही कहना है कि हमें स्ट्रगल कम करना चाहिए, क्योंकि अच्छे पिक्चरों को वेलकम होना चाहिए, तो फिर भी आज तक लिस्ट फाइनल नहीं है, प्रोग्रामिंग शुरू है, तो ये थिएटर नहीं मिलेगी आपको अभी तक, फाइनल नहीं हो जाएगा मालूम नहीं, लेकिन शाम तक, अभी तक मैं बात नहीं कर सकता उस पर थोड़ा, लेकिन स्ट्रगल तो शुरू है अभी। मैं चाहती हूँ पहुंचेगी जब नंबर ऑफ शोज मिलेंगे, थिएटर्स मिलेंगे, अभी मैं आते आते मैंने देखा तो साउथ की अभी दो फिल्म लगे हुए और हम लोग की यहाँ पे मारामारी चल रही है कि हम लोग को कब नंबर ऑफ शोज मिलेंगे, जबकि हमारा रिव्यू अच्छा है, सर ने इतनी अच्छी फिल्म की है, सब ने जी लगा के इसमें जी जा लगा के दिन रात एक करके काम किया है, तो हम लोग को अगर नंबर ऑफ स्क्रीन्स नहीं मिले, शोज नहीं मिले,
तो क्या फायदा अच्छी फिल्में बनके। नहीं नहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे ही, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो स्ट्रगल है उनके पास पहुँचे, हर फ्राइडे हम क्यों जाए उनके पास, उनको भी बाकी के काम है ना। तो अगर महाराष्ट्र में हमें सीधा सीधा वेलकम हो जाए तो ये चीज़ें क्यों, ये हमारा कहना है। अगर अच्छा ये हुआ ना तो बहुत अच्छा होगा, सिर्फ क्या है कि ये सब थिएटर ब्लॉक होते हैं ना, ये हमारा टेंशन है, ये हर फ्राइडे अगर रहेगा तो मराठी फिल्म जाएगी कहाँ। हाँ तो अभी पूरे महाराष्ट्र में हो गया है सब। मराठी लैंग्वेज को पहला हमें सम्मान दीजिए और मराठी फिल्म के लिए पहले स्क्रीन अवेलेबल कीजिए, यही कहना है। हम बोल ऐसा नहीं बोल रहे कि किसी पे अन्याय हो, लेकिन पहला न्याय हमें दीजिए बस। हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र में ही मराठी फिल्म के लिए थिएटर्स नहीं है, इससे क्या क्या बात है, ये दैट्स नॉट फेयर एक्चुअली। ओके, ब्रिकेट ही एक हा ग्रामीण शब्द आहे आणि गिरीश कुलकर्णी नॅशनल अवॉर्ड विनर ह्याच्यातले मेन लीड आहेत। गिरीश कुलकर्णींबरोबर ऋषिकेश जोशी, कुशल बद्रिके, मोनालिसा बागल, तानाजी गालगुंडे, सागर कारंडे, हे खूप मोठी अशी कास्टिंगची फळी आहे आणि सगळे दिग्गज कलाकार आहेत। फिल्म उद्या रिलीज आहे पण फिल्मचे रिव्ह्यू पण खूप जबरदस्त आलेले आहे, सगळी सगळ्यांना खूप फिल्म आवडते आता। आणि फिल्मची गोष्ट ही, भिरकीट हा शब्द आहे हा ग्रामीण भागामध्ये खूप वापरला जातो, सुखाचं आनंदाचं दुःखाचं जे एका आपल्या मागे लागतं त्याला भिरकीट म्हटलं जातं आणि ते भिरकीट त्या सगळ्यांच्या मागे लागलेलं आहे, हे सिनेमातच तुम्हाला पाहायला मिळेल। मी या सिनेमामध्ये रेशमाचं कॅरेक्टर केलं आहे, जे एक गावकरी मुलीची भूमिका आहे आणि तानाजीसोबत या सिनेमात तसं बघितलं तर मी पहिल्यांदाच काम केलं होतं आणि माझा खरंच खूप चांगला अनुभव होता। आणि महत्त्वाचं म्हणजे या सिनेमामध्ये मला दिग्गज कलाकारांबरोबर काम करायला मिळालं, गिरीश कुलकर्णी सर, ऋषिकेश जोशी सर, आणि खूप काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या। आणि महत्त्वाचं म्हणजे मी पश्चिम महाराष्ट्रातली आणि ह्याचं शूटिंग सगळं कराड, सातारा ह्या ठिकाणी झाल्यामुळे मी खूप एन्जॉय केली ही सगळी प्रोसिजर। आणि मला इतकं सुंदर गाणं मिळालं आहे, लाईन दे मला, जे की नकाशनी हे सॉन्ग गायलं आहे गाणं, आणि मी लावणी कधीच यापूर्वी केली नव्हती, पहिल्यांदा ह्या सिनेमात मी लावणीतसुद्धा आहे। सो खरंच खूप मस्त एक्सपीरियन्स होता माझा। आणि जब आपको ऑफर किया गया सरने तो क्या क्या रिएक्शन था और क्या कहना चाहेंगे? मी सरांसोबत झाला पोबाठा नावाची फिल्म केली होती, सरांनी त्या सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं होतं, त्यामुळे एक मी ओळखत होते आधीपासूनच त्यांना। आणि मला ज्यावेळेस कॉल आला की क्रिकेटमध्ये एक रेशमाचा रोल आहे जो की तू करावा असं वाटतंय तर सांग तुम्हाला, मी विचारच नाही केला, मी त्याच कॉलला सरांना म्हटले हो सर मी करणार, बिकॉज मला माहीत होतं की ते माझ्यासाठी नक्कीच चांगला रोल त्यांनी मला ऑफर केला असेल म्हणून। आणि सर तुमचा एक्सपिरियन्स कसा होता मोनालिसाबद्दल? मोनालिसा ही आता अभिनयात सुद्धा खूप भक्कम आणि सक्षम होत चालली आहे आणि तुम्ही चित्रपट पाहिल्यानंतर कळेलच। आणि आम्ही एक हिस्टॉरिकल सिनेमा पण केलेला आहे, कम्प्लीट झालेला आहे, त्याच्यामुळे मला आम्ही एकत्र जे काम केले आहेत त्याचे रिझल्ट्स पण 100% चांगले आलेले आहेत आणि लोकांना पण ते आवडतं। ऑल्सो जसं की खूप डिबेट चालली आहे साऊथ सिनेमा, बॉलिवूड सिनेमा, मराठी सिनेमा, काय सांगाल याच्याबद्दल? आणि जसं सरांनी सांगितलं प्रेस कॉन्फरन्समध्ये स्क्रीन नाही भेटली फिल्मला, किती दुःखाची गोष्ट आहे। मला असं वाटतं की आपण महाराष्ट्रात राहतो तर मराठी फिल्मला सगळ्यात पहिलं प्राधान्य मिळालं पाहिजे। आजकाल असं चाललंय की मराठी फिल्म राहिल्या बाजूला साऊथच्याच फिल्मला जास्त प्राधान्य दिलं गेलं आहे, त्यांच्या तिकीटचे जे पेमेंट आहे ते आमच्यापेक्षा रक्कम जास्त आहे। मग हे असं का, आमचे शोज लागतात का 5-5, 6-6 मराठी फिल्म्सचे तिथे साऊथमध्ये? नाही लागत। मग आमच्याच बाबतीत हा अन्याय का? बॉलिवूडसुद्धा चांगल्या फिल्म्स बनतात पण नंबर ऑफ शोज मिळत नाही आहेत सध्या, तर फिल्म्स हिट का होतील का? कंटेंट आमचे कंटेंट चांगले आहेत पण लोकांपर्यंत पोचत नाही आहेत कारण नंबर ऑफ शोज, स्क्रीन आम्हाला मिळत नाही आहे। सो हे खूप दुर्दैव आहे। माननीय श्री बाळासाहेब ठाकरेजींनी सोंगाड्या नावाची जी फिल्म होती ती लावली होती एक फिल्म काढून, तर मला असं वाटतं की आत्ता पुन्हा पुढे ते कोणीतरी आलं पाहिजे आणि तसं घडलं पाहिजे, साऊथच्या फिल्म्सच्या ऐवजी मराठी फिल्म्स तिथे लागल्या पाहिजे, ते
तेव्हा मराठी सिनेमा कुठेतरी पुढे जाईल. एक तुम्हाला वाटतं की एक रूल बनलं पाहिजे मराठी फिल्मसाठी की मराठी फिल्मला पहिलं प्राधान्य मिळलं पाहिजे जसं की मोलालेसाने सांगितलं? करेक्ट आहे, असं बनलंच पाहिजे. कारण का हे आज आम्ही बोलतोय यावर आणि मग कुणीतरी आज त्याच्यावर बोललंच पाहिजे. आज जर नाही बोललं तर हा अन्याय वाढत जाईल आणि मग कालांतराने आमचे सिनेमे काय डायरेक्ट टी व्हीवर आणायचं का असा आम्हाला प्रश्न पडेल. त्याच्यामुळं हे व्हायलाच पाहिजे आणि सरकार पण याच्याकडे लक्ष देईल आणि मराठीसाठी योग्य ते प्लॅटफॉर्म देईल, आम्हाला योग्य शोज देईल, थिएटर्स अवेलेबल करून देतील ते, आम्ही त्या क्षणाची वाट पाहू, नाहीतर आमचा लढा असाच चालू ठेवा. आणि मराठी सिनेमा टॅक्स फ्री झाला पाहिजे प्रत्येक सिनेमा? नाही, मराठी सिनेमांना टॅक्स फ्री दिली म्हणजे आम्हाला ते टॅक्स फ्रीसाठी त्यांनी हे केलेलं आहे. मराठी सिनेमा टॅक्स फ्री आहे त्याच्याबद्दल काही म्हणणं नाही आहे. सगळं असून आम्हाला चित्रपटगृह पाहिजेत ना, सिनेमागृह पाहिजेत. सिनेमा हॉल नसतील तर लोक बघतील कुठे? त्याच्यामुळं यांना एका वेळेस वन टाईम सिनेमे हे खूप स्क्रीनला लागतात, तसं आम्हाला मिळावं, जास्त स्क्रीनसाठी स्ट्रगल नसावं. ओके, और कोरोना के पहले जो है राज ठाकरे जी ने कहा था कि जो टिकट प्राइस है वो कम किए जाएंगे मराठी सिनेमा के लिए और भी लोगों को आकर्षित करने के लिए ये कदम उठाया जाएगा. हाँ, ये हो रहा है. अच्छा, ये होगा ही, लेकिन कब होगा? टिकट रेट कम भी होंगे, सब होगा, लेकिन शोज मिलेंगे, ऑडियंस आएगी तब ना. शो नहीं है तो टिकट है या नहीं उसका कुछ ये नहीं, फर्क नहीं पड़ता. हमें शोज चाहिए, हमारा कहना है, बाकी के किस पे कंप्लेंट नहीं है. ये अलग इंडस्ट्री के लोग यहाँ आके कब्जा कर रहे हैं और हमें शोज नहीं मिला, ये हमारा दुख है. बाकी सब कुछ ठीक है, हमारा हमारे लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट दिया है. लेकिन कोरोना ने पहले जो पीवीआर में एक रूल बनाया था कि कोई भी सिनेमा में एक शो हमेशा मराठी का कंपलसरी था, तो ये वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी एक शो जो है उसमें कोई हमारी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हमारा कंटेंट इतना स्ट्रांग है तो हमें 3 शो चाहिए. एक शो मिला, लेकिन क्या है कि मराठी सिनेमा स्लो पॉइजनिंग है, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं. अचानक से ब्लास्टिंग नहीं कलेक्शन आता है, उसके फर्स्ट डे लग गया और इतना बम्पर ओपनिंग मिला है, वो बहुत स्लो पॉइजन है. तो स्लो पॉइजन कब होगा कि धीरे धीरे शो बढ़ेंगे, माउथ वेलोसिटी होंगे तो ये होगा. इसलिए हमें 3 शो मिले तो लोग देखेंगे ज़्यादा, पिक्चर की पब्लिसिटी अच्छी होगी और पिक्चर पकड़ेंगे अच्छी तरह से. और क्या क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से और जनता आपको देख रही है? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में मराठी फिल्म्स के लिए नंबर ऑफ शोज हो, क्योंकि हम लोग का कंटेंट अच्छा है, वो लोगों तक पहुँचे. जैसे कि ये होना ही चाहिए, बोलते हैं एक परमानेंट रूल होना चाहिए कि मराठी फिल्म को मल्टीप्लेक्स में भी 2-2, 3-3 शो दो, क्योंकि ये ऐसी बात है कि फिर एक सर्टन टाइम के बाद ऐसे लगे कि हम लोग हमारी फिल्म OTT के लिए ही बनाए क्या, क्योंकि अगर थिएटर्स में हम लोग को स्क्रीन ही नहीं मिल रहे तो वही होने वाला है लास्ट में कि हम लोग को फिल्म सिर्फ OTT के लिए ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि थिएटर्स में ऑडियंस आएगी ही नहीं, क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ शोज नहीं. तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रिक्टली रूल होना चाहिए कि मराठी को भी उतनी ही प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए जितनी कि साउथ की जो फिल्में अभी आ रही है उनकी प्रायोरिटीज़ है. बस यही अपील करना चाहूँगा. थैंक यू सो मच. बिरकिट 17 जून यानी कल मेरी पिक्चर रिलीज हो रही है.
पिक्चर बहुत बढ़िया बनी है, इंडस्ट्री के सबसे सब बड़े जो दिग्गज लोग हैं उसमें काम कर रहे हैं, और जो फिल्म सबसे यानी कि सबने जो जो प्रीव्यू हुए हैं वहाँ सब ने बहुत पसंद आई है, उसका ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और पिक्चर अभी कल से थिएटर में आ रही है, अभी लोगों का प्यार मिलेगा मुझे गारंटी है इसकी। हाँ, अभी एक कहानी है जो ये भिरकिट शब्द है, ये पूरा एक महाराष्ट्र में जितना अपना विलेज है उसमें ये यूज़ किया जाता है भिरकिट, जो हर एक सुख का दुख का हर एक जो अपने पीछे पड़ता है, जैसे आप टेंशन बोलते हो या कुछ भी हो ऐसा, तो इसको हम मराठी में भिरकिट बोलते हैं। तो इस टाइटल जो हमारा भिरकिट है तो उसमें ही एक बहुत मज़ा है, और उसके साथ जो स्टोरी लाइन है मैं इतनी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन एक एक ऐसी चीज़ एक घटना ऐसी होती है उससे जुड़ते हैं सब एक एक करके, और जितने फंस जाते हैं ऐसे अपनी भिरकिट है, और ये ब्लैक कॉमेडी है। एक्चुअली भिरकिट इस फिल्म में मैंने रेशमा का कैरेक्टर किया है, बेसिकली शी इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम विलेज, तो इससे पहले भी मैंने ऐसे कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन इस जो फिल्म में मैंने किरदार निभाया है रेशमा का वो काफ़ी अलग है, जैसे कि मैं हालांकि रियल लाइफ में जैसी हूँ बिल्कुल वैसे इस फिल्म में नहीं हूँ, बहुत अलग कैरेक्टर किया है, और बस और इतने सारे बड़े स्टार कास्ट के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने के लिए, इसी में ही मेरा बहुत ज़्यादा नसीब अच्छा है ऐसा मुझे लग रहा है कि इसी एज में आकर मुझे गिरीश कुलकर्णी, ऋषिकेश जोशी जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा आपने गिरीश? बहुत कुछ सीखी बातें सीखी है मैंने, लाइक जैसे कि उनका जो लैंग्वेज पे कमांड है विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मैं अभी स्कूल के डेज से जो हम बुक्स रीड कर रहे हैं ये वो, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता कि हम किसी भी कोई भी लैंग्वेज हो उस पर कमांड कर सकें, लेकिन मैंने ऋषिकेश सर जो है उनसे एक बात सीखी है, कोई भी डायलॉग हो किसी भी लाइक कि विलेज टाइप हो और सिटी टाइप का हो, इतने फ्लुएंटली बोलते हैं वो कि बस मुझे लगता है कि मैं उस पर सुनते ही रहूँ बस, और बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा लेकिन जो चीज़ें मैंने उनसे सीखी है वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। दोनों फिल्में बहुत अलग हैं, जैसे अभी गिरीश कुलकर्णी उनको नेशनल अवार्ड मिला है, बहुत मराठी बॉलीवुड इंडस्ट्री सब सब लैंग्वेज में वो काम करते हैं, दोनों लैंग्वेज में बहुत अच्छा, और ऋषिकेश जोशी दोनों भी एक तगड़े कास्ट हैं हमारे फिल्म के, मोनालिसा है, तानाजी है ऐसे सैराट वाला तानाजी, और फिल्म बोबाटा और भिरकिट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों जॉनर अलग है और दोनों की मज़ा फिल्म के जॉनर बहुत अलग है और मज़ा भी अलग है उन दोनों फिल्म का। मैंने इनके साथ झाला बुबाटा फिल्म की थी, उसमें मुझे मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगी बिकॉज उस फिल्म में मुझे एक सॉन्ग मिला था पेंजल, और जब तक रिलीज़ होने वाली थी फिल्म तब तक उसके व्यूज़ मिलियंस में चले गए थे, और फिल्म रिलीज़ के बाद मुझे काफ़ी फिल्मों के ऑफ़र आई, तो मुझे इनके ऊपर ट्रस्ट था कि ये जो रोल मुझे ऑफ़र करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। जब मुझे कॉल आया और मुझे पता चला कि गिरीश कुलकर्णी सर इसमें काम कर रहे हैं, ऋषिकेश सर है, तानाजी जो मेरे अपोजिट था उसका सैराट फिल्म आ चुका था तब तक, तो मुझे मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और मैंने बस कह दिया कि हाँ, लेकिन अभी जब ये फिल्म की प्रोसीजर हो के फिल्म अभी रिलीज़ पे है तभी मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया और फिल्म के लिए हाँ कह दिया, सो इट वॉज़ अ वेरी गुड एंड फंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। इस बारे में मैं क्या ही कहूँ क्योंकि अभी मेरी खुद की फिल्म रिलीज़ है भिरकिट, हालांकि हमें अच्छा थिएटर स्क्रीन मिले है उसमें नो डाउट क्योंकि मेरी फिल्म अच्छी और वो चलने वाली है उसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है, मुझे बस ये बात है इसके आपने अभी पूछा है और मैं कुछ काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कभी मुझे मौका मिला इस बात के बारे में कहने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि
अभी की सिचुएशन ऐसी है कि मराठी फिल्म हिंदी फिल्म बहुत अच्छी बन रही है लेकिन वो पब्लिक तक पहुंच ही नहीं रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि हम लोग को उतनी स्क्रीन ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी यह हो रहा है कि कोई भी आ रहा है, कोई भी साउथ का फिल्म डब हो रहा है और वो हिंदी में रिलीज हो रहा है, तो हम लोग की फिल्म कब लगेगी? अगर तुम लोग सारे के सारे मुंबई में आके, महाराष्ट्र में आके साउथ के सब फिल्म यहाँ पे रिलीज कर रहे हो तो हम लोग को कब मिलेगा? हमारे यहाँ पे जब साउथ की फिल्म रिलीज होती है यहाँ पे स्क्रीन मिलता है, हम लोग की फिल्म क्यों नहीं लगती करना साउथ में, तेलुगु में लगती है, एक दो शो लगते हैं, उससे ज़्यादा शो नहीं लगते। यहाँ पर आते हैं, रीमेक करते हैं और वही फिल्म। फिर हम लोग का जो कंटेंट है, हम लोग जो लोग सोच रहे हैं, हम लोग के जो डायरेक्टर सोच रहे हैं, राइटर सोच रहे हैं, वो हम लोग कब तक है करेंगे? कब हम लोग का जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुँचेगा? नहीं हो रहा है वो, क्योंकि हम लोग को अभी ऐसा है कि लास्ट मंथ एक मराठी हिस्टोरिकल फिल्म रिलीज हुई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये था कि कोई साउथ की फिल्म आई थी उसके वजह से हम लोग को शो ही नहीं मिले, तो कैसी मराठी फिल्म चलेगी, कैसा कलेक्शन दिखेगा? अभी हिंदी के बारे में भी वही है, ऐसा हो सकता है कि फिल्म का कंटेंट अच्छा हो लेकिन थिएटर ही नहीं मिले। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं खुद थिएटर में जाती हूँ, शो ही अवेलेबल नहीं है, कोई साउथ की फिल्म है वो तो बहुत दूर की बात, वो तो है ही है। अभी हम लोग अगर कोई चैनल लगा ले हिंदी का, सोनी मैक्स हो, कोई भी चैनल हो, मैंने अगर बटन ऑन कर दिया तो वहाँ पे होता है दुखी आत्मा, ऐसा कोई भी फिल्म होता है जो साउथ का डब होता है, हिंदी फिल्म नहीं है क्या? अगर हिंदी में, हम लोग मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग को खुद का कंटेंट ही नहीं देखने मिल रहा है, वहाँ की फिल्में हैं जो डब होके हम लोग को देखने मिल रहे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई रिलीज मत करो करके, करो, लेकिन प्रायोरिटीज़ फर्स्ट महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र के लोगों को भी मिलनी चाहिए। अगर हम लोग को प्रायोरिटीज़ मिलेंगे ही नहीं अभी इस एज में, अगर मुझे प्रायोरिटी नहीं मिला तो मैं क्या कब 30 साल की 40 साल की होकर थोड़ी काम करियर बना सकती हूँ? अभी जो मैंने फिल्में की है, मेरी फिल्म अच्छी है लेकिन वो लोगों तक कब पहुँचेगी? जब नंबर ऑफ शोज मिलेंगे, बहुत सारे थिएटर्स में लगेंगे। मुझे अभी थोड़ा याद है कि बाला साहब ठाकरे जी ने सोंगाड़ा नाम की एक फिल्म हिंद माता थिएटर मुंबई में एक फिल्म उतार के मराठी फिल्म लगाई थी। उसके बाद आज तक, ये तो मैंने सुना है, शायद मैं कभी रहूँगी भी नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप ने, मेरे जो आजू बाजू वाले लोग हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई, उसके बाद आज तक कोई बाला साहेब ठाकरे मुंबई महाराष्ट्र में हुआ ही नहीं है कि जो कह सके कि भाई मेरे मराठी फिल्म को और हिंदी फिल्म का, बॉलीवुड का ये कंटेंट अच्छा है, ये फिल्म अच्छी नहीं, ये उतार के हमारी फिल्म लगाओ करके, ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कोई तो ऐसा खड़ा हो बाला साहेब ठाकरे जी के जैसा, जो मेरी जनरेशन के जो आर्टिस्ट है, मराठी आर्टिस्ट है, उनको सपोर्ट करे, आगे आए, आगे आके हमारे जो फिल्म्स हैं उनको भी नंबर ऑफ शोज मिले, थिएटर्स मिले, क्योंकि जब तक थिएटर्स नहीं मिलेंगे हम लोग कैसे, हम लोग का करियर कब होगा, कब हम तक ऑडियंस तक कब पहुँचेंगे? मैम इसके अलावा जब आरआरआर रिलीज हुई थी तभी टिकट के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए थे, वो जो कि बॉलीवुड फिल्मों के लिए इतने बढ़ाए नहीं जाते, मराठी फिल्मों के लिए मोस्ट ऑफ द फिल्म मैंने देखा है टैक्स फ्री होती है, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, क्या ज़्यादा कलेक्शन दिखाने के लिए ये बढ़ाए गए थे टिकट रेट्स? मुझे ये लगता है कि हम लोग यहाँ पे सब लोग मुंबई में आता है, मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी नहीं है, वहाँ के लोग आते हैं एक्स्ट्रा टैक्स ले करके टिकट बढ़ा के कमा रहे हैं, हमारे लोग कब कमाएंगे? हमारा फिल्म, हमारे फिल्म पे खर्चे नहीं होते, हमारा कंटेंट अच्छा नहीं होता क्या? हम लोग किसी को भी आर्टिस्ट लेके फिल्म करते, क्यों नहीं? बॉलीवुड में भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो बड़े बड़े स्पेंड करके प्रोड्यूसर्स आर्टिस्ट को लेते हैं, हमारे अगर टिकट का दाम देखते तो 200 रुपया, उनके अगर देखे तो 400-500, उनको नंबर ऑफ स्क्रीन ज़्यादा है, तो इसमें लॉस हमारा ही है, कैसे हमारी फिल्म चलेंगी? अगर हमारे एक बार प्रोड्यूसर का लॉस हुआ तो दूसरे टाइम प्रोड्यूसर कैसे फिल्म बनाएगा? अभी फिल्म आई है 4777, वो भी, उसको भी बहुत सारी स्क्रीन मिली है, लेकिन जो मुंबई में अभी रिसेंटली फिल्म रिलीज हुई धर्मवीर या फिर शेर शिवराय, क्या कहना चाहेंगे, उनको इतनी स्क्रीन नहीं मिल पाई और उनका जो कलेक्शन था वो भी अच्छा था महाराष्ट्र में। मुझे ये लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम किसी की कोई फिल्म लाओ ही मत साउथ की, लगाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। रजनीकांत जी मेरे खुद की, मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ, कमल हसन जी मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ, लेकिन उनका एक टाइम रजनीकांत और कमल हसन जी या रोज मैम
मैं खुद रजनीकांत सर की फैन हूँ, मैं खुद कमल जी की फैन हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि मैं जिनकी फैन हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी फिल्म रिलीज मत करो, मेरा ये कहना है कि हमारे लोगों को भी चांस दो। लेकिन अभी तो ये हो रहा है, कोई भी आ रहा है साउथ का, उसका फिल्म हो रहा है, हिंदी में डब हो रहा है, मराठी में डब हो रहा है रिलीज, अरे फिर हम लोग की फिल्म कब लगेगी? अभी आपने जो कहा कि जस्ट शेर शिवराज के बारे में भी, वो फिल्म बहुत अच्छी थी, मैंने खुद देखी है, लेकिन उनको नंबर ऑफ शोज नहीं अवेलेबल हुए क्योंकि KGF लगी थी, जबकि हमारे शोज की टिकट थी 300 रुपए, जबकि उनकी है 500-600 रुपए। तो हम लोग का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे क्यों नहीं हमारे फिल्म लगाते? लगाएंगे तो भी एक शो दो शो, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे उनके 6-6 शो होते। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इंसाफी है, ये ना इंसाफी है। मैं चाहती हूँ कि श्रीमान जो बाला साहब ठाकरे जी सर थे, उनके जैसा कोई तो आगे आए, और उन्होंने जो उस समय पे किया था सोंगाड़ा फिल्म लगा के, मराठी फिल्म लगाई थी, तो हमारी तरफ से भी कोई आगे आना चाहिए और ये हमारे लिए भी होना चाहिए। मैम रिसेंटली जो है महेश बाबू जी ने कहा था कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस बारे में क्या कहना चाहूँगा? मैं इस बारे में क्या ही कहूँ, मुझे लगता है कि वो बॉलीवुड ऑफर नहीं कर सकते, ये ठीक है, लेकिन आप बॉलीवुड की एक्ट्रेस से शादी कर रहे हो, उन्हीं के साथ रह रहे हो, और आप बोल रहे हो कि बॉलीवुड ऑफर नहीं कर सकता। मैं इस पे स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती इस चीज पे। और बॉलीवुड ऑफर नहीं कर सकता जब भी आप लोगों की फिल्म हिंदी डब होके यहाँ पे आती है, तो फिर क्यों रिलीज करते हो हिंदी में? नहीं करो, क्योंकि आपको वो ऑफर ही नहीं कर सकते। उनकी वाइफ मराठी है। यस एग्जैक्टली, उनकी वाइफ महाराष्ट्रियन है, फिर भी वो कह रहे हैं कि उनको बॉलीवुड ऑफर नहीं कर, मैं क्या कहूँ, कुछ कह ही नहीं सकती मैं सेंटेंस पे। एक्चुअली सर एज अ डायरेक्टर आप क्या सोचते हैं पूरे सिनेरियो के बारे में, अगर उस बारे में कुछ बताएं? क्या एज अ मराठी फिल्म मेकर थोड़ा सा बुरा लगता है कि इतनी स्क्रीन्स नहीं मिल पाती महाराष्ट्र में रहने के बाद भी? बुरा तो लगता है, क्योंकि क्या है कि पहला तो रीजनल लैंग्वेज को पहला हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में हम फिल्म करेंगे, महाराष्ट्र के बाहर जाके हम लगा नहीं सकते, तो हमारी टेरिटरी लिमिटेड है। तो महाराष्ट्र में ही हमारा, अगर मुंबई में कम शो, पुणे में कम शो, तो ये हर डायरेक्टर को प्रॉब्लम आ रही है, और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके पिक्चर के लाइनअप पूरे साल के हैं, तो हमें वो गैप निकालना पड़ता है कि अभी इस फ्राइडे थोड़ा, तब तक हम जब तक पिक्चर डिक्लेयर करें तब तक उनकी अनाउंसमेंट होती है, थिएटर ब्लॉक हो जाते हैं, तो हम उसमें स्पेस निकाल के एक शो दो शो में इतना स्ट्रगल करके हम नहीं कर पाएंगे उतना टारगेट हमारा अचीव। तो ये हर डायरेक्टर की समस्या है, मराठी डायरेक्टर की समस्या है, और महाराष्ट्र पिक्चर की समस्या है, मराठी फिल्म की समस्या है, और मराठी इंडस्ट्री दिन ब दिन ऐसे इतने कंटेंट अच्छे, इतना सॉलिड पिक्चर बन रही है, लेकिन हमें नंबर ऑफ स्क्रीन कम, तो हम नंबर से भी पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं, बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ। लेकिन सर मैं पहले कंटेंट की बात कर रहा हूँ, मराठी कंटेंट सैराट की बात कर रहा हूँ, मैं उठाया हम लोगों ने, लोगों ने देखा, करोड़ों कमाए, फिर क्या कुछ हो रहा है कंटेंट? अभी मेन कंटेंट है, रिमेक बनाई धर्मा प्रोडक्शन ने बनाई, करेक्ट सर। लेकिन उस टाइम पे कोई साउथ की मूवी नहीं थी या कोई भी बड़ी फिल्म नहीं थी, इस टाइम पे उनको स्पेस मिला, लेकिन बहुत ऐसे मराठी पिक्चर है कि उनको बहुत अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही हो रहा है, हर फ्राइडे कोई ना कोई ब्लॉक कर रहा है, तो हमें चांस नहीं मिल रहा है। तो हमारी पिक्चर देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि हमारी कंटेंट क्या है, हमारी फिल्म क्या है, तो हम अब तक पहुँच नहीं पा रहे, हमारा दुख है। हम कुछ कहेंगे इस पर? मैंने कहा सैराट, सैराट की बात की, मैंने सैराट लोगों ने उठाई, सब ने देखी सैराट, फिर नॉन मार्शल लोगों ने भी देखी है, यहाँ पे धर्म प्रसन्न ने हिंदी बना दी उसकी, ठीक है कहेंगे। तभी नंबर ऑफ शोज ज़्यादा थे, स्क्रीनिंग ज़्यादा थी, इसलिए वो फिल्म हिट हो पाई, और कंटेंट भी काफ़ी अच्छा था, उसी के लिए तो हम लोग कह ही रहे कि वो हमारा अच्छा ही लग था। लेकिन अभी ये है कि मैं खुद बोल रही हूँ कि मेरी फिल्म रिलीज पे है, उस टाइम पे कोई ना कोई साउथ की फिल्म आजकल आ ही रही है, उनकी फिल्म आई तो शो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो कब हम लोग को हमारा कंटेंट अच्छा होके भी लोगों तक नहीं पहुँच रहा है? तो तभी वो कॉम्पिटिशन नहीं था, आजकल की बात कर रही हूँ मैं कि आजकल इतने ज़्यादा साउथ की फिल्म आ रहे आया गया, कोई भी साउथ की फिल्म है ही, हर फ्राइडे देखो तो फिल्म है, तो हम लोग की फिल्म कब लगवाए? यस मुझे बिल्कुल लगता है, जब भी हम लोग जब बॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं, साउथ को कोई भी एक्टर हो यहाँ पे रिस्पेक्ट है, मैंने कभी नहीं देखा हमारे एक्ट्रेस को, मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जब भी कास्ट करते हैं तभी कोई छोटा रोल कोई मोटा रोल आया गया ऐसा इस तरह का उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, तो वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट होना चाहिए, कितने सारे लोग हैं बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पे बहुत
उंगली पे गिनने जितने आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से रोल कर पाए. मैंने, मुझे तो नहीं पता कि अभी एक ही है जो रजनीकांत सर जी की, उनके बारे में मुझे पता है कि उन्होंने वहाँ पे खुद का प्लेस बनाया. मुझे अभी कोई एक्टर नहीं पता कि जहाँ वहाँ पे जाके रिस्पेक्टेड कोई काम कर रहे करके. ऑफर आई साउथ फिल्मों की, आप करोगे नहीं करोगे कि पहले आपके साथ कुछ होगी, शर्तें होगी कि भाई शर्तें मिली? मैं पहले अपने खुद के रीजनल में काम करूंगी. मैं खुद महाराष्ट्र में काम कर रही हूँ. मैं आज भी खुद महाराष्ट्र के लिए बात कर रही हूँ, हिंदी फिल्मों के लिए बात कर रही हूँ. मैं खुद यहाँ पे आज मुंबई में हूँ, तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड आधा तो पूरा का पूरा बॉलीवुड मुंबई में ही है. तो मैं सबसे पहले अपने खुद के लिए और खुद के रीजन के लिए ही ये करूँगी. ये तो मेरे बहुत दूर की बात है, बाद में सोचेंगे. आने वाले टाइम पे कुछ राजनीति में आने वाले प्लान है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं राजनीति और पॉलिटिक्स के बारे में कभी सोचा भी नहीं और मैं जाना भी नहीं चाहती पॉलिटिक्स में. सर, क्रिकेट के लिए कितनी स्क्रीन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो और बोलो कहाँ पे रिलीज करना? अभी तो फिलहाल स्ट्रगल शुरू है, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए नंबर ऑफ स्क्रीन. आज रात तक हो जाएंगे, लेकिन कोशिश तो है कि अच्छे मिले. बस अभी गुरुवार रात तक पता चलेगा कुछ. अभी हाँ वही, अभी स्ट्रगल शुरू है. मैं करेक्ट है आपका, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी स्ट्रगल शुरू है, फोन शुरू है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बात कर रहे हैं, तो शाम तक नतीजा आएगा. लेकिन ये स्ट्रगल क्यों, ये हमारा कहना है. जो इतनी बड़ी पिक्चर बनी है, सब रिव्यू अच्छे आ गए फिल्म के, भिरकिट के सब रिव्यू अच्छे हैं. तो मेरा यही कहना है कि हमें स्ट्रगल कम करना चाहिए, क्योंकि अच्छे पिक्चरों को वेलकम होना चाहिए. तो फिर भी आज तक लिस्ट फाइनल नहीं है, प्रोग्रामिंग शुरू है, तो ये थिएटर नहीं मिलेगी आपको अभी तक, फाइनल नहीं हो जाएगा मालूम नहीं, लेकिन शाम तक. अभी तक मैं बात नहीं कर सकता उस पर थोड़ा, लेकिन स्ट्रगल तो शुरू है अभी. मैं चाहती हूँ पहुंचेगी जब नंबर ऑफ शोज मिलेंगे, थिएटर्स मिलेंगे. अभी मैं आते आते मैंने देखा तो साउथ के अभी 2 फिल्म लगे हुए और हम लोग की यहाँ पे मारामारी चल रही है कि हम लोग को कब नंबर ऑफ शोज मिलेंगे. जबकि हमारा रिव्यू अच्छा है, सर ने इतनी अच्छी फिल्म की है, सब ने जी लगा के इसमें जी जा लगा के दिन रात एक करके काम किया है. तो हम लोग को अगर नंबर ऑफ स्क्रीन नहीं मिले, शोज नहीं मिले, तो क्या फ़ायदा अच्छी फिल्में बन के. नहीं नहीं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे, उसमें कोई शक नहीं. लेकिन ये जो स्ट्रगल है उनके पास पहुँचे, हर फ्राइडे हम क्यों जाए उनके पास, उनको भी बाकी के काम है ना. तो अगर महाराष्ट्र में हमें सीधा सीधा वेलकम हो जाए तो ये चीज़ें क्यों, ये हमारा कहना है. अगर अच्छा ये हुआ ना तो बहुत अच्छा होगा. सिर्फ क्या है कि ये सब थिएटर ब्लॉक होते हैं ना, ये हमारा टेंशन है कि हर फ्राइडे अगर रहेगा तो मराठी फिल्म जाएगी कहाँ. हाँ तो अभी पूरे महाराष्ट्र में हो गया है सब. मराठी लैंग्वेज को पहला हमें सम्मान दीजिए और मराठी फिल्म के लिए पहले स्क्रीन अवेलेबल कीजिए, यही कहना है. हम बोल ऐसा नहीं बोल रहे कि किसी पे अन्याय हो, लेकिन पहला न्याय हमें दीजिए बस. हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र में ही मराठी फिल्म के लिए थिएटर्स नहीं है, इससे क्या क्या बात है, ये दैट्स नॉट फेयर एक्चुअली. ओके, भिरकिट ही एक हा ग्रामीण शब्द आहे आणि गिरीश कुलकर्णी नॅशनल अवॉर्ड विनर ह्याच्यातले मेन लीड आहेत. गिरीश कुलकर्णींबरोबर ऋषिकेश जोशी, कुशल बद्रिके, मोनालिसा बागल, तानाजी गालगुंडे, सागर कारंडे, हे खूप मोठी अशी कास्टिंगची फळी आहे आणि सगळे दिग्गज कलाकार आहेत. फिल्म उद्या रिलीज आहे, पण फिल्मचे रिव्ह्यू पण खूप जबरदस्त आलेले आहे. सगळ्यांना खूप फिल्म आवडते आता. आणि फिल्मची गोष्ट ही, भिरकिट हा शब्द आहे हा ग्रामीण भागामध्ये खूप वापरला जातो. सुखाचं, आनंदाचं, दुःखाचं जे एका आपल्या मागे लागतं त्याला भिरकिट म्हटलं जातं आणि ते भिरकिट त्या सगळ्यांच्या मागे लागलेलं आहे. हे सिनेमातच तुम्हाला पाहायला मिळेल. मी या सिनेमामध्ये रेशमाचं कॅरेक्टर केलं आहे, जे एक गावकरी मुलीची भूमिका आहे. आणि तानाजीसोबत या सिनेमात तसं बघितलं तर मी पहिल्यांदाच काम केलं होतं आणि माझा खरंच खूप चांगला अनुभव होता.
आणि महत्त्वाचं म्हणजे या सिनेमामध्ये मला दिग्गज कलाकारांबरोबर काम करायला मिळालं, गिरीश कुलकर्णी सर, ऋषिकेश जोशी सर, आणि खूप काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या. आणि महत्त्वाचं म्हणजे मी पश्चिम महाराष्ट्रातली आणि ह्याचं शूटिंग सगळं कराड, सातारा ह्या ठिकाणी झाल्यामुळे मी खूप एन्जॉय केली ही सगळी प्रोसिजर. आणि मला इतकं सुंदर गाणं मिळालं आहे, लाईन दे मला, जे की नकाशनी हे सॉन्ग गायलं आहे गाणं. आणि मी लावणी कधीच यापूर्वी केली नव्हती, पहिल्यांदा ह्या सिनेमात मी लावणीतसुद्धा आहे. सो खरंच खूप मस्त एक्सपिरियन्स होता माझा. आणि जब आपको ऑफर किया गया सरने तो क्या क्या रिएक्शन था और क्या कहना चाहेंगे? मी सरांसोबत झाला पोबाठा नावाची फिल्म केली होती, सरांनी त्या सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं होतं, त्यामुळे एक मी ओळखत होते आधीपासूनच त्यांना. आणि मला ज्यावेळेस कॉल आला की क्रिकेटमध्ये एक रेशमाचा रोल आहे जो की तू करावा असं वाटतंय तर सांग तुम्हाला, मी विचारच नाही केला, मी त्याच कॉलला सरांना म्हटले हो सर मी करणार, बिकॉज मला माहीत होतं की ते माझ्यासाठी नक्कीच चांगला रोल त्यांनी मला ऑफर केला असेल म्हणून. आणि सर तुमचा एक्सपिरियन्स कसा होता मोनालिसाबद्दल? मोनालिसा ही आता अभिनयातसुद्धा खूप भक्कम आणि सक्षम होत चाललेली आहे, आणि तुम्ही चित्रपट पाहिल्यानंतर कळेलच. आणि आम्ही एक हिस्टॉरिकल सिनेमा पण केलेला आहे, कम्प्लीट झालेला आहे, त्याच्यामुळे मला आम्ही एकत्र जे काम केले आहेत त्याचे रिझल्ट पण 100% चांगले आलेले आहेत आणि लोकांना पण ते आवडते. ऑल्सो जसं की खूप डिबेट चालली आहे साऊथ सिनेमा, बॉलिवूड सिनेमा, मराठी सिनेमा, काय सांगाल याच्याबद्दल? आणि जसं सरांनी सांगितलं प्रेस कॉन्फरन्समध्ये, स्क्रीन नाही भेटली फिल्मला, किती दुःखाची गोष्ट आहे. मला असं वाटतं की आपण महाराष्ट्रात राहतो तर मराठी फिल्मला सगळ्यात पहिलं प्राधान्य मिळालं पाहिजे. आजकाल असं चाललंय की मराठी फिल्म राहिल्या बाजूला साऊथच्याच फिल्मला जास्त प्राधान्य दिलं गेलं आहे, त्यांच्या तिकीटचे जे पेमेंट आहे ते आमच्यापेक्षा रक्कम जास्त आहे. मग हे असं का? आमचे शोज लागतात का 5-5, 6-6 मराठी फिल्म्सचे तिथे साऊथमध्ये? नाही लागत. मग आमच्याच बाबतीत हा अन्याय का? बॉलिवूडसुद्धा चांगल्या फिल्म्स बनतात पण नंबर ऑफ शोज मिळत नाही आहेत सध्या. तर फिल्म्स हिट का होतील का? कंटेंट आमचे कंटेंट चांगले आहेत पण लोकांपर्यंत पोहोचत नाही आहेत कारण नंबर ऑफ शोज, स्क्रीन आम्हाला मिळत नाही आहेत. सो हे खूप दुर्दैव आहे. माननीय श्री बाळासाहेब ठाकरेजींनी सोंगाड्या नावाची जी फिल्म होती ती लावली होती एक फिल्म काढून, तर मला असं वाटतं की आत्ता पुन्हा पुढे ते कोणीतरी आलं पाहिजे आणि तसं घडलं पाहिजे. साऊथच्या फिल्म्सच्या ऐवजी मराठी फिल्म्स तिथे लागल्या पाहिजे, तेव्हा मराठी सिनेमा कुठेतरी पुढे जाईल. एक तुम्हाला वाटतं की एक रूल बनलं पाहिजे मराठी फिल्मसाठी की मराठी फिल्मला पहिलं प्राधान्य मिळलं पाहिजे जसं की मोनालिसाने सांगितलं? करेक्ट आहे, असं बनलंच पाहिजे कारण का हे आज आम्ही बोलतोय यावर आणि मग कुणीतरी आज त्याच्यावर बोललंच पाहिजे. आज जर नाही बोललं तर हा अन्याय वाढत जाईल आणि मग कालांतराने आमचे सिनेमे काय डायरेक्ट टी व्हीवर आणायचं का असा आम्हाला प्रश्न पडेल. तर त्याच्यामुळं हे व्हायलाच पाहिजे आणि सरकार पण याच्याकडे लक्ष देईल आणि मराठीसाठी योग्य ते प्लॅटफॉर्म देईल आम्हाला, योग्य शोज देईल, थिएटर्स अवेलेबल करून देतील ते, आम्ही त्या क्षणाची वाट पाहू, नाहीतर आमचा लढा असाच चालू ठेवा. आणि मराठी सिनेमा टॅक्स फ्री झाला पाहिजे प्रत्येक सिनेमा? नाही, मराठी सिनेमांना टॅक्स फ्री दिली म्हणजे आम्हाला ते टॅक्स फ्रीसाठी त्यांनी हे केलेलं आहे, मराठी सिनेमा टॅक्स फ्री आहे त्याच्याबद्दल काही म्हणणं नाही आहे. सगळं असून आम्हाला चित्रपटगृह पाहिजेत ना, सिनेमागृह पाहिजेत. सिनेमा हॉल नसतील तर लोक बघतील कुठे? त्याच्यामुळं यांना एका वेळेस वन टाईम सिनेमे हे खूप स्क्रीनला लागतात, तसं आम्हाला मिळावं, जास्त स्क्रीनसाठी स्ट्रगल नसावं. ओके, और कोरोना के पहले जो है राज ठाकरे जी ने कहा था कि जो टिकट प्राइस है वो कम किए जाएंगे मराठी सिनेमा के लिए और भी लोगों को आकर्षित करने के लिए ये कदम उठाया जाएगा. हाँ, ये हो रहा है, अच्छा ये होगा ही, लेकिन कब होगा? टिकट रेट कम भी होंगे, सब होगा, लेकिन शोज मिलेंगे, ऑडियंस आएगी तब ना. शो नहीं है तो टिकट है या नहीं उसका कुछ ये नहीं, फर्क नहीं पड़ता. हमें शोज चाहिए, हमारा कहना है, बाकी के किस पे कंप्लेंट नहीं है. ये अलग इंडस्ट्री के लोग यहाँ आके कब्जा कर रहे हैं और हमें शोज नहीं मिला, ये हमारा दुख है. बाकी सब कुछ ठीक है, हमारा हमारे लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट दिया है. लेकिन कोरोना ने पहले जो पीवीआर में एक रूल बनाया था कि कोई भी सिनेमा में एक शो हमेशा मराठी का कंपलसरी था, तो ये वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी एक शो जो है उसमें कोई हमारी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हमारा कंटेंट इतना स्ट्रांग है तो हमें 3 शो चाहिए. एक शो मिला, लेकिन क्या है कि मराठी सिनेमा स्लो पॉइजनिंग है, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं. अचानक से ब्लास्टिंग नहीं कलेक्शन आता है, फर्स्ट डे लग गया और इतना बम्पर ओपनिंग मिला है, वो बहुत स्लो पॉइजन है. तो स्लो पॉइजन कब होगा कि धीरे धीरे शो बढ़ेंगे, माउथ वेलोसिटी होंगे तो ये होगा. इसलिए हमें 3 शो मिले तो लोग देखेंगे ज़्यादा, पिक्चर की पब्लिसिटी अच्छी होगी और पिक्चर पकड़ेंगे अच्छी तरह से. और क्या क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से और जनता आपको देख रही है?
मैं बस यही कहना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में मराठी फिल्म्स के लिए नंबर ऑफ शोज हो, क्योंकि हम लोग का कंटेंट अच्छा है, वो लोगों तक पहुँचे, जैसे कि ये होना ही चाहिए, बोलते हैं एक परमानेंट रूल होना चाहिए कि मराठी फिल्म को मल्टीप्लेक्स में भी दो दो तीन तीन शो दो, क्योंकि ये ऐसी बात है कि फिर एक सर्टन टाइम के बाद ऐसे लगे कि हम लोग हमारी फिल्म OTT के लिए भी बनाए क्या, क्योंकि अगर थिएटर्स में हम लोग को स्क्रीन ही नहीं मिल रहे तो वही होने वाला है लास्ट में कि हम लोग को फिल्म सिर्फ OTT के लिए ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि थिएटर्स में ऑडियंस आएगी ही नहीं, क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ शोज नहीं. तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रिक्टली रूल होना चाहिए कि मराठी को भी उतनी ही प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए जितनी कि साउथ की जो फिल्में अभी आ रही है उनकी प्रायोरिटीज़ है. बस यही अपील करना चाहूँगा. थैंक यू सो मच. ब्रिकिट 17 जून यानी कल मेरी पिक्चर रिलीज हो रही है. पिक्चर बहुत बढ़िया बनी है. इंडस्ट्री के सब बड़े जो दिग्गज लोग हैं उसमें काम कर रहे हैं, और जो फिल्म सबसे यानी कि सबने जो प्रीव्यू हुए हैं वहाँ सब ने बहुत पसंद आई है. उसका ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और पिक्चर अभी कल से थिएटर में आ रही है. अभी लोगों का प्यार मिलेगा, मुझे गारंटी है इसकी. हाँ, अभी एक कहानी है जो ये भिरकिट शब्द है, ये पूरा एक महाराष्ट्र में जितना अपना विलेज है उसमें ये यूज़ किया जाता है. भिरकिट जो हर एक सुख का दुख का हर एक जो अपने पीछे पड़ता है, जैसे आप टेंशन बोलते हो या कुछ भी हो ऐसा, तो इसको हम मराठी में भिरकिट बोलते हैं. तो इस टाइटल जो हमारा भिरकिट है तो उसमें ही एक बहुत मज़ा है, और उसके साथ जो स्टोरी लाइन है मैं इतनी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसी चीज़ एक घटना ऐसी होती है उससे जुड़ते हैं सब एक एक करके, और जितने फंस जाते हैं ऐसे अपनी भिरकिट है, और ये ब्लैक कॉमेडी है. एक्चुअली भिरकिट इस फिल्म में मैंने रेशमा का कैरेक्टर किया है. बेसिकली शी इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम विलेज, तो इससे पहले भी मैंने ऐसे कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन इस जो फिल्म में मैंने किरदार निभाया है रेशमा का वो काफ़ी अलग है. जैसे कि मैं हालांकि रियल लाइफ में जैसी हूँ बिल्कुल वैसे इस फिल्म में नहीं हूँ, बहुत अलग कैरेक्टर किया है. और बस, और इतने सारे बड़े स्टार कास्ट के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने के लिए, इसी में ही मेरा बहुत ज़्यादा नसीब अच्छा है ऐसा मुझे लग रहा है कि इसी एज में आकर मुझे गिरीश कुलकर्णी, ऋषिकेश जोशी जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए. कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा? बहुत कुछ सीखी, बातें सीखी है मैंने, लाइक जैसे कि उनका जो लैंग्वेज पे कमांड है विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मैं अभी स्कूल के डेज से जो हम बुक्स रीड कर रहे हैं ये वो, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता कि हम किसी भी कोई भी लैंग्वेज हो उस पर कमांड कर सके. लेकिन मैंने ऋषिकेश सर जो है उनसे एक बात सीखी है, कोई भी डायलॉग हो किसी भी लाइक कि विलेज टाइप हो और सिटी टाइप का हो, इतने फ्लुएंटली बोलते हैं वो कि बस मुझे लगता है कि मैं उनको सुनते ही रहूँ बस. और बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा लेकिन जो चीज़ें मैंने उनसे सीखी है वो ख़त्म नहीं हो पाएगी. सर, झाला बोपाटा से कितनी अलग फिल्म है, और थोड़ा सा बताइए उस
दोनों फिल्में बहुत अलग हैं। जैसे अभी गिरीश कुलकर्णी, उनको नेशनल अवार्ड मिला है, बहुत मराठी बॉलीवुड इंडस्ट्री सब लैंग्वेज में वो काम करते हैं, दोनों लैंग्वेज में बहुत अच्छा। और ऋषिकेश जोशी, दोनों भी एक तगड़े कास्ट हैं हमारे फिल्म के। मोनालिसा है, तानाजी है, ऐसे सैराट वाला तानाजी। और फिल्म बोबाटा और भिरकिट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों जॉनर अलग है और दोनों की मज़ा, फिल्म के जॉनर बहुत अलग है और मज़ा भी अलग है उन दोनों फिल्म का। मैंने इनके साथ झाला बोबाटा फिल्म की थी, उसमें मुझे मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगी, बिकॉज उस फिल्म में मुझे एक सॉन्ग मिला था पेंजल, और जब तक रिलीज़ होने वाली थी फिल्म तब तक उसके व्यूज़ मिलियंस में चले गए थे, और फिल्म रिलीज़ के बाद मुझे काफ़ी फिल्मों के ऑफ़र आई, तो मुझे इनके ऊपर ट्रस्ट था कि ये जो रोल मुझे ऑफ़र करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। जब मुझे कॉल आया और मुझे पता चला कि गिरीश कुलकर्णी सर इसमें काम कर रहे हैं, ऋषिकेश सर है, तानाजी जो मेरे अपोजिट था उसका सैराट फिल्म आ चुका था तब तक, तो मुझे मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और मैंने बस कह दिया कि हाँ। लेकिन अभी जब ये फिल्म की प्रोसीजर हो के फिल्म अभी रिलीज़ पे है, तभी मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, कि मैंने उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया और फिल्म के लिए हाँ कह दिया। सो इट वॉज़ अ वेरी गुड एंड फंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। इस बारे में मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि अभी मेरी खुद की फिल्म रिलीज़ है भिरकिट, हालांकि हमें अच्छा थिएटर स्क्रीन मिले है उसमें नो डाउट, क्योंकि मेरी फिल्म अच्छी और वो चलने वाली है उसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है। मुझे बस ये बात है इसके, आपने अभी पूछा है और मैं कुछ काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कभी मुझे मौका मिला इस बात के बारे में कहने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि मराठी फिल्म, हिंदी फिल्म बहुत अच्छी बन रही है लेकिन वो पब्लिक तक पहुंच ही नहीं रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि हम लोग को उतनी स्क्रीन ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी यह हो रहा है कि कोई भी आ रहा है, कोई भी साउथ का फिल्म डब हो रहा है और वो हिंदी में रिलीज़ हो रहा है, तो हम लोग की फिल्म कब लगेगी? अगर तुम लोग सारे मुंबई में आके, महाराष्ट्र में आके साउथ के सब फिल्म यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हो, तो हम लोग को कब मिलेगा? हमारे यहाँ पे जब साउथ की फिल्म रिलीज होती है यहाँ पे स्क्रीन मिलता है, हम लोग की फिल्म क्यों नहीं लगती करना साउथ में, तेलुगु में लगती है, एक दो शो लगते हैं, उससे ज़्यादा शो नहीं लगते। यहाँ पर आते हैं, रीमेक करते हैं और वही फिल्म, फिर हम लोग का जो कंटेंट है, हम लोग जो लोग सोच रहे हैं, हम लोग के जो डायरेक्टर सोच रहे हैं, राइटर सोच रहे हैं, वो हम लोग कब तक करेंगे? कब हम लोग का जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुँचेगा? नहीं हो रहा है वो, क्योंकि हम लोग को अभी ऐसा है कि लास्ट मंथ एक मराठी हिस्टोरिकल फिल्म रिलीज हुई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये था कि कोई साउथ की फिल्म आई थी उसके वजह से हम लोग को शो ही नहीं मिले, तो कैसी मराठी फिल्म चलेगी, कैसा कलेक्शन दिखेगा? अभी हिंदी के बारे में भी वही है, ऐसा हो सकता है कि फिल्म का कंटेंट अच्छा हो लेकिन थिएटर ही नहीं मिले, हालांकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं खुद थिएटर में जाती हूँ, शो ही अवेलेबल नहीं है, कोई साउथ की फिल्म है वो तो बहुत दूर की बात, वो तो है ही है। अभी हम लोग अगर कोई चैनल लगा ले हिंदी का, सोनी मैक्स हो, कोई भी चैनल हो, मैंने अगर बटन ऑन कर दिया तो वहाँ पे होता है दुखी आत्मा, ऐसा कोई भी फिल्म होता है जो साउथ का डब होता है, हिंदी फिल्म नहीं है क्या? अगर हिंदी में, हम लोग मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग को खुद का कंटेंट ही नहीं देखने मिल रहा है, वहाँ की फिल्में हैं जो डब होके हम लोग को देखने मिल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई रिलीज़ मत करो करके, करो, लेकिन प्रायोरिटीज़ फर्स्ट महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र के लोगों को भी मिलनी चाहिए। अगर हम लोग को प्रायोरिटीज़ मिलेंगे ही नहीं अभी इस एज में, अगर मुझे प्रायोरिटी नहीं मिला तो मैं क्या कब 30 साल की 40 साल की होकर थोड़ी काम करियर बना सकती हूँ? अभी जो मैंने फिल्में की है, मेरी फिल्म अच्छी है लेकिन वो लोगों तक कब पहुँचेगी? जब नंबर ऑफ़ शोज मिलेंगे, बहुत सारे थिएटर्स में लगेंगे। मुझे अभी थोड़ा याद है कि बाला साहब ठाकरे जी ने सोंगाड़ा नाम की एक फिल्म हिंद माता थिएटर मुंबई में एक फिल्म उतार के मराठी फिल्म लगाई थी, उसके बाद आज तक, ये तो मैंने सुना है, शायद मैं कभी रहूँगी भी नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप ने, मेरे जो आजू बाजू वाले लोग हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई, उसके बाद आज तक कोई बाला साहेब ठाकरे मुंबई महाराष्ट्र में हुआ ही नहीं है कि जो कह सके कि भाई मेरे मराठी फिल्म का और हिंदी फिल्म का, बॉलीवुड का ये कंटेंट अच्छा है, ये फिल्म अच्छी नहीं, ये उतार के हमारी फिल्म लगाओ करके।
ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कोई तो ऐसा खड़ा हो बाला साहब ठाकरे जी के जैसा, जो मेरी जनरेशन के जो आर्टिस्ट है, मराठी आर्टिस्ट है, उनको सपोर्ट करे, आगे आए, आगे आके हमारे जो फिल्म्स हैं उनको भी नंबर ऑफ शोज मिले, थिएटर्स मिले। क्योंकि जब तक थिएटर्स नहीं मिलेंगे हम लोग कैसे, हम लोग का करियर कब होगा, कब हम तक ऑडियंस तक कब पहुंचेंगे? मैम इसके अलावा जब आरआरआर रिलीज हुई थी तभी टिकट के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए थे, वो जो कि बॉलीवुड फिल्मों के लिए इतने बढ़ाए नहीं जाते। मराठी फिल्मों के लिए मोस्ट ऑफ द फिल्म मैंने देखा है टैक्स फ्री होती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या ज़्यादा कलेक्शन दिखाने के लिए ये बढ़ाए गए थे टिकट रेट? मुझे ये लगता है कि हम लोग यहाँ पे सब लोग मुंबई में आता है, मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी नहीं है, वहाँ के लोग आते हैं एक्स्ट्रा टैक्स ये करके टिकट बढ़ा के कमा रहे हैं, हमारे लोग कब कमाएंगे? हमारे फिल्म पे खर्चे नहीं होते, हमारा कंटेंट अच्छा नहीं होता क्या? हम लोग किसी को भी आर्टिस्ट लेके फिल्म करते क्यों नहीं? बॉलीवुड में भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो बड़े बड़े स्पेंड करके प्रोड्यूसर्स आर्टिस्ट को लेते हैं। हमारे अगर टिकट का दाम देखते तो 200 रुपया, उनके अगर देखे तो 400-500, उनको नंबर ऑफ स्क्रीन ज़्यादा है, तो इसमें लॉस हमारा ही है। कैसे हमारे फिल्म चलेंगे? अगर हमारे एक बार प्रोड्यूसर का लॉस हुआ तो दूसरे टाइम प्रोड्यूसर कैसे फिल्म बनाएगा? अभी फिल्म आई है 4777, वो भी उसको भी बहुत सारी स्क्रीन मिली है, लेकिन जो मुंबई में अभी रिसेंटली फिल्म रिलीज हुई धर्मवीर या फिर शेर शिवराय, क्या कहना चाहेंगे, उनको इतनी स्क्रीन नहीं मिल पाई और उनका जो कलेक्शन था वो भी अच्छा था महाराष्ट्र में। मुझे ये लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम किसी की कोई फिल्म लाओ ही मत साउथ की, लगाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। रजनीकांत जी मेरे खुद की, मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ। कमल हसन जी मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ, लेकिन उनका एक टाइम रजनीकांत और कमल हसन जी लगती या रोज मैम, मैं खुद रजनीकांत सर की फ़ैन हूँ, मैं खुद कमल जी की फ़ैन हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि मैं जिनकी फ़ैन हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी फिल्म रिलीज़ मत करो, मेरा ये कहना है कि हमारे लोगों को भी चांस दो। लेकिन अभी तो ये हो रहा है, कोई भी आ रहा है साउथ का, उसका फिल्म हो रहा है हिंदी में डब हो रहा है, मराठी में डब हो रहा है रिलीज़, अरे फिर हम लोग की फिल्म कब लगेगी? अभी आपने जो कहा कि जस शेर शिवराज के बारे में भी, वो फिल्म बहुत अच्छी थी, मैंने खुद देखी है, लेकिन उनको नंबर ऑफ शोज नहीं अवेलेबल हुए क्योंकि KGF लगी थी, जबकि हमारे शोज की टिकट थी 300-400 रुपये, जबकि उनकी है 500-600 रुपये। तो हम लोग का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे क्यों नहीं हमारे फिल्म लगाते? लगाएंगे तो भी एक शो दो शो, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे उनके 6-6 शो होते। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इंसाफी है, ये नाइंसाफी है। मैं चाहती हूँ कि श्रीमान जो बाला साहब ठाकरे जी सर थे, उनके जैसा कोई तो आगे आए, और उन्होंने जो उस समय पे किया था सोंगाड़ा फिल्म लगा के, मराठी फिल्म लगाई थी, तो हमारी तरफ से भी कोई आगे आना चाहिए और ये हमारे लिए भी होना चाहिए। मैम रिसेंटली जो है महेश बाबू जी ने कहा था कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? मैं इस बारे में क्या ही कहूँ, मुझे लगता है कि वो बॉलीवुड ऑफर नहीं कर सकते, ये ठीक है, लेकिन आप बॉलीवुड की एक्ट्रेस से शादी कर रहे हो, उन्हीं के साथ रह रहे हो, और आप बोल रहे हो कि बॉलीवुड ऑफर नहीं कर सकता। मैं इस पे स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती इस चीज पे। और बॉलीवुड ऑफर नहीं कर सकता, जब भी आप लोगों की फिल्म हिंदी डब होके यहाँ पे आती है तो फिर क्यों रिलीज करते हो हिंदी में? नहीं करो, क्योंकि आपको वो ऑफर ही नहीं कर सकते। उनकी वाइफ महाराष्ट्रियन है। यस एग्जैक्टली, उनकी वाइफ महाराष्ट्रियन है, फिर भी वो कह रहे हैं कि उनको बॉलीवुड ऑफर नहीं कर, मैं क्या कहूँ, कुछ कह ही नहीं सकती मैं। सर एज अ डायरेक्टर आप क्या सोचते हैं पूरे सिनेरियो के बारे में, अगर उस बारे में कुछ बताएं? क्या एज अ मराठी फिल्म मेकर थोड़ा सा बुरा लगता है कि इतनी स्क्रीन्स नहीं मिल पाती महाराष्ट्र में रहने के बाद भी? बुरा तो लगता है, क्योंकि क्या है कि पहला तो रीजनल लैंग्वेज को पहला हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में हम फिल्म करेंगे, महाराष्ट्र के बाहर जाके हम लगा नहीं सकते, तो हमारी टेरिटरी लिमिटेड है। तो महाराष्ट्र में ही हमारा अगर मुंबई में कम शो, पुणे में कम शो, तो ये हर डायरेक्टर को प्रॉब्लम आ रही है और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके पिक्चर के लाइनअप पूरे साल के हैं, तो हमें वो गैप निकालना पड़ता है कि अभी इस फ्राइडे थोड़ा, तब तक हम जब तक पिक्चर डिक्लेयर करें तब तक उनकी अनाउंसमेंट होती है, थिएटर ब्लॉक हो जाते हैं, तो हम उसमें स्पेस निकाल के एक शो दो शो में इतना स्ट्रगल करके हम
नहीं कर पाएंगे उतना टारगेट हमारा अचीव। तो ये हर डायरेक्टर की समस्या है, मराठी डायरेक्टर की समस्या है और महाराष्ट्र पिक्चर की समस्या है, मराठी फिल्म की समस्या है और मराठी इंडस्ट्री दिन ब दिन ऐसे इतने कंटेंट अच्छे, इतना सॉलिड पिक्चर बन रही है लेकिन हमें नंबर ऑफ स्क्रीन कम, तो हम नंबर से भी पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं, बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ। लेकिन सर मैं लेकिन कंटेंट की बात कर रहा हूँ, मराठी कंटेंट सैराट की बात कर रहा हूँ मैं, उठाया हम लोगों ने, लोगों ने देखा, करोड़ों कमाए, फिर क्या कुछ हो रहा है कंटेंट, अभी मेन कंटेंट रिमेक बनाई धर्मा प्रोडक्शन ने बनाई। करेक्ट करेक्ट सर, लेकिन उस टाइम पे कोई साउथ की मूवी नहीं थी या कोई भी बड़ी फिल्म नहीं थी, इस टाइम पे उनको स्पेस मिला, लेकिन बहुत ऐसे मराठी पिक्चर है कि उनको बहुत अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही हो रहा है, हर फ्राइडे कोई ना कोई ब्लॉग कर रहा है तो हमें चांस नहीं मिल रहा है। तो हमारी पिक्चर देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि हमारी कंटेंट क्या है, हमारी फिल्म क्या है, तो हम अब तक पहुँच नहीं पा रहे, ये हमारा दुख है। हम कुछ कहेंगे इस पर? मैंने कहा सैराट, सैराट की बात की, मैंने सैराट लोगों ने उठाई, सब ने देखी सैराट, फिर नॉन मार्शल लोगों ने भी देखी है, यहाँ पे धर्म प्रसन्न ने हिंदी बना दी उसकी, फिर क्या कहेंगे? तभी नंबर ऑफ शोज ज़्यादा थे, स्क्रीनिंग ज़्यादा थी, इसलिए वो फिल्म हिट हो पाई और कंटेंट भी काफ़ी अच्छा था, उसी के लिए तो हम लोग कह ही रहे कि वो हमारा अच्छा ही लग था। लेकिन अभी ये है कि मैं खुद बोल रही हूँ कि मेरी फिल्म रिलीज पे है, उस टाइम पे कोई ना कोई साउथ की फिल्म आजकल आ ही रही है, उनकी फिल्म आई तो शो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो कब हम लोग को हमारा कंटेंट अच्छा होके भी लोगों तक नहीं पहुँच रहा है? तो तभी वो कॉम्पिटिशन नहीं था, आजकल की बात कर रही हूँ मैं कि आजकल इतने ज़्यादा साउथ की फिल्म आ रहे हैं, आ गया कोई भी साउथ की फिल्म है ही, हर फ्राइडे देखो तो फिल्म है, तो हम लोग की फिल्म कब लगवाए? यस, मुझे बिल्कुल लगता है जब भी हम लोग जब बॉलीवुड फिल्म देखते हैं, साउथ को कोई भी एक्टर हो यहाँ पे रिस्पेक्ट है, मैंने कभी नहीं देखा हमारे एक्ट्रेस को, मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जब भी कास्ट करते हैं तभी कोई छोटा रोल, कोई मोटा रोल आया गया, ऐसा इस तरह का उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, तो वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लग